हेलो एवरी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो आज की सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली रिलीज्ड मॉडल सेट एग्रीकल्चर की बात करने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, और देखना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं या बोर्ड एग्जाम जो पिछला मॉडल सेट था या पिछला से पिछला मॉडल सेट था उससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। तो यानी अगर हम लोग 5 मॉडल सेट आपको करवा दिया जाए बोर्ड एग्जाम तक, तो मतलब तैयारी आपकी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अच्छा है ना। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, जो भी हो सकती है वो सारी आपको करवा दी जाएगी बोर्ड एग्जाम होने तक तक। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं मॉडल सेट 2023 एग्रीकल्चर की, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की आज बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग में जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे आपको, वैसे पता ही होगा आपको कि 70 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 35 ही आपको बनाना है। ठीक है, चलो चलो और आगे बात करते हैं। आज के सेशन में सिर्फ जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे उतना क्वेश्चन हल हो जाए, नहीं तो जो भी बच जाता है उसको हम लोग नेक्स्ट के सेशन में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास भी समय नहीं है, अभी थोड़ा लिमिट समय है। ठीक है, और हाँ एक और इन्फॉर्मेशन बात, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तो सारी क्वेश्चन आपको करवा ही दिया जाएगा और सारी सीरीज आपको आ ही जाएंगे, 5 मॉडल टेस्ट करवा दिया जाएगा। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसको। और हाँ एक और उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे आप लोग और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त होंगे एग्रीकल्चर वाले उनके पास शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ यार मेरा दोस्त का इतना प्रिपरेशन है और मेरा इतना नहीं है, तो मैं भी करूंगा उतना प्रिपरेशन। ठीक है, चलो शेयर कर दो एक बार। हाँ जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, इनमें से कौन सा खरीफ वाली फसल है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है। ठीक है, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है कलर को, है ना। चलो इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, खरीफ फसल यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धान, गेहूं, मटर और चना, खरीफ में, खरीफ की बात करें, खरीफ फसल। खरीफ फसल हम लोग कब करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी की ऋतु में, गर्मी के ऋतु में, यानी कब होती है तो जून जुलाई में होती है। कब होती है सर, तो जून जुलाई में होती है, समझ में आ गई। तो अब मुझे बताओ धान की करते हैं ना, धान की करते हैं, यानी धान हो गया हमारी खरीफ की फसल, इसकी बुआई हम लोग जून जुलाई में करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। वहीं रवि की बात करें तो ये हम लोग ठंडी के ऋतु में करते हैं। ठीक है, ठंडी के ऋतु में करते हैं। अब आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन एक वर्षीय फसल है, एनुअल क्रॉप कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुअल क्रॉप। बीटरूट पहला ऑप्शन है, प्याज, गेहूं, नेपियर ग्रास, क्या है। अब देखो नेपियर ग्रास तो आपकी बहुवर्षीय हो गई, बहुवर्षीय पेरेनियल, ठीक है बहुवर्षीय हो गई। प्याज और चुकंदर की बात कर ले तो ये दोनों द्विवर्षीय है, बाइनियल, द्विवर्षीय है, बाइनियल है। ठीक है, और गेहूं की बात करें तो ये एक वर्षीय फसल है, वीट जो है एक वर्षीय है। तो ये बाकी ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान में रखते चलोगे। ठीक है, और मैं हमेशा से आपको कहता चला हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मॉडल सेट में ये क्वेश्चन आ गया तो मतलब समझो कि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल फिक्स है आएंगे। हाँ सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बट पूरे हूबहू इसी तरीके से नहीं हो सकता। जो एक वर्षीय क्वेश्चन है तो हो सकता है कि बहुवर्षीय पूछ दिया जाए, अगर एक वर्षीय फसल इसमें दिया गया मॉडल सेट में तो हो सकता है बहुवर्षीय फसल बोल दिया जाए और ऑप्शन वही रख दे। तो इसलिए मैं ऑप्शन को भी बताते चलता हूं, जो कि थोड़ा ट्रिकी वाला होगा उसको बताते चलूंगा, तो वो आप नोट करते चलोगे। ठीक है, जल्दी से नोटबुक ले आओ एक बार। ठीक है, चलो जल्दी से ले आओ, और हाँ अभी तक जल्दी से ले आओ तब तक, और जो भी बच्चे ला रखे वो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो एक बार, ठीक है मजा आ जाएगा एक बार। चलो आगे की बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी वो लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत होगी वो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा दलहनी फसल है, यानी पल्स क्रॉप की बात कर रहा है। ठीक है, जो दाल देता है, ठीक है जो दाल देता है, चना दाल देता है, हाँ सर देता है, तो लगा दो, फिर उसके बाद भी देख लो, गेहूं नहीं ये तो अनाज वाली है, मक्का नहीं ये तो अनाज वाली है, जौ नहीं ये भी तो अनाज वाली है, तो चना हम लोग का सही हो जाएगा, ग्राम सही हो जाएगा। ठीक है, और सबका बॉटनिकल नेम ध्यान में रखना, वीट का भी, मक्का का भी, बारले का भी, क्वेश्चन आएगा एक या दो क्वेश्चन आएंगे पक्का। ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे आपके
बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन आपके साइंटिफिक नेम से आ सकते हैं, बॉटनिकल नेम से आ सकते हैं, तो ध्यान में रखोगे। 22 क्रॉप है, सबका आपको चार्ट बना के दे दिया गया है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वाला भी शायद आपको मिल गया होगा, नहीं मिल गया हो तो आप कमेंट कर देना, या सर के व्हाट्सएप पे कर देना, या मेरे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है, करवा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इनमें से कौन सा तेलहन वाली फसल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेलहन वाली फसल यानी वाइसिट क्रॉप, वाइसिट क्रॉप जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, जूट से तेल प्राप्त होता है। अरे नहीं सर, इससे तो रेशा प्राप्त होता है यानी फाइबर प्राप्त होता है, गन्ना से। गन्ना तो हमारी शर्करा वाली फसल है, शुगर क्रॉप है, शर्करा वाली फसल है, ठीक है। चना, अभी जस्ट बात किया, चना दाल वाली है यानी पल्स क्रॉप है, ठीक है। और बच गया सूरजमुखी, तो सूरजमुखी का तेल आता है, तो वो हो गई बातें, ठीक है। चलो, इंग्लिश में भी बात कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा छोटा बीज वाला फसल है। छोटा बीज किसका छोटा बीज होता है, गेहूं का। याद करो, मैंने शायद जो अपनी कम्युनिटी ग्रुप बनाई गई थी उसमें आपको पिक्चर दिया गया था सारा का, मक्का का भी दिया था, अरहर का भी दिया था, पहचानने को नियम, ठीक है, पहचानने को दिया गया था सीड, ठीक है। तो उसमें से सबसे छोटा क्या होता है, सरसों का होता है। देखो एकदम छोटी छोटी दाना होती है, ठीक है, मटर की हल्की बड़ी होती है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और मक्का का सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ा इसका बीज होता है। ये गेहूं का मध्यम वाली होती है, ये भी याद रखना, मध्यम बीज होती है, मध्यम आकार की बीज होती है, ये होती है बड़ी, बड़ा, ठीक है। चल, और ये पिक्चर आपको दे दिया था, वैसे सरसों ने सबने देखा होगा, सबने, आप लोगों में से सबने देखा होगा सरसों को, ठीक है। चलो, स्मॉल सीडेड क्रॉप, ये देखो फर्स्ट चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है और वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी साइड होके थोड़ा बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। यूनिट वन में चले तो सिर्फ यूनिट वन की बात करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट टू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूनिट वन में आपको चैप्टर नंबर की बात लिखवा देता हूँ, चैप्टर नंबर आपको वन नंबर चैप्टर, वैसे तो सारा ही इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि लॉन्ग के लिए आपको बता रखा हूँ उस वाले वीडियोज में। जो वीडियो नहीं देखे वो जाके देखो, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, किस प्रकार से गुड मार्क्स ला सकते हो एक मंथ में, या छोटा मोटा स्ट्रेटजी है, एक दिन भी में भी कर सकते हो वो, ठीक है। चलो, बाकी 5 सेट तो आपको करवा ही दिया जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट भी करवा दिया जाएगा, ठीक। लॉन्ग की बात की गई है उसमें, तो लॉन्ग भी करवा दिया जाएगा, जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा बस उतनी ईमानदारी से आप लोग पढ़ लो, गर्दा मचा दोगे उसमें, ठीक है। चल, फर्स्ट चैप्टर आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर एक जो खरपतवार वाला था चैप्टर नंबर 5, वो भी इंपोर्टेंट है आपको। इसमें से, इस दोनों में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 5+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, 5+, ठीक है। सबसे क्वेश्चन आते हैं इस दोनों से, बहुत ज्यादा आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और किस प्रकार से क्वेश्चन लेंगे, तो वही छोटी बीज वाली फसल बताओ, एक एक बीज पत्री खरपतवार का बताओ, ठीक है, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। चलो, आगे क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन आपसे रूबरू होता रहेगा और मैं करवाता रहूंगा, जबरदस्ती करवाऊंगा आप लोगों से क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा जल्दी बात करते हैं, ठीक है, 6 नंबर पे ही है, ठीक है, थोड़ा जल्दी बात करते हैं। निम्न में से कौन गहरी जड़ वाली फसल है। देखो सर, फिर से आ गया, गहरी जड़ वाली तो अरहर हो गई, ठीक है, अरहर जो हो गई वो गहरी जड़ वाली है, ठीक है, और ये सब थोड़ी सैलो होती है, ठीक है। चलो, आगे की क्वेश्चन की बात करें, सैलो होती है, ठीक है। चलो, आगे बात करते हैं, डीप रूटेड है ना, डीप रूटेड और सैलो आ जाती है, तो बाकी पैडी, व्हीट और मेज, ये सब सैलो हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी मसाला वाली फसलें, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हल्दी है मसाला वाली, ठीक है। चलो, आगे बात करते, हाँ, इंग्लिश में भी देख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीमेंट, ठीक है। वैसे दोनों का क्वेश्चन रहेगा, दोनों में पढ़ते रहना, आराम से आ जाएगा, और आप लोग के लिए तो काफी बेनिफिट हुआ था। जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में भी जुड़ सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में भी जुड़ सकते हैं, काफी फ्री था, बहुत अच्छे से और बहुत मिनिमम प्राइस में। हम लोग का यही उद्देश्य होता है, हम लोग का हमेशा यही उद्देश्य होता है, वो चाहे 11th की क्लास करवाए, वो चाहे 12th की क्लास करवाए, बहुत मिनिमम फी में, जितना से जितना आपको दे सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ वो मैं दे सकता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे नहीं आता, उसको रिसर्च करके आपको बताया जाता है, ठीक है। चल, है ना, संतुष्ट हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार। चल, निम्न में से कौन धान की लंबी अवधि की किस्म है, लंबी अवधि की किस्म है, लंबी अवधि की किस्म है, लॉन्ग पीरियड की तो कामनी है एक, ठीक है। वो एक याद करो, कॉपी में आपको करवाया गया था, नोट पलटाओ जल्दी से, आपको जब क्रैश कोर्स भी था उसमें भी बताया गया था, जो एक बैनर वर्क
टेबल टेबल आया था, और सबसे फर्स्ट ही है तुरंता है, कामनी है, और जो भी ये कामनी है जो है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वेराइटी, और वही सहभागी, सबवर्धित, ये सब है शॉर्ट ड्यूरेशन की। ठीक है चल आगे बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कामनी हो जाएगा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटी है, ठीक है, राइस की वेराइटी है, ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं, देखो बोरो धान की बारे में बात करते हैं, बोरो धान की कटाई का समय क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा गर्मा धान होगा, क्या यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि तो एक टेबल बनाया गया था जिस क्रैश कोर्स में दे दिया गया था आपको, ठीक है, और नहीं तो एक चार्ट पेपर आपको बताया गया था ना, चार्ट पेपर दी जाएगी। अरे सब्र करो, इंतजार का फल मीठा होता है, काफी मीठा होता है, और हम लोगों से खाओगे तो बहुत ही मीठा होगा, मालदा आम खाए हो उससे भी मीठा होगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे तीन प्रकार के धान होते हैं, सिर्फ तीन प्रकार की आपको बात करने वाला हूं, एक तो होता है खरीफ, ठीक है, एक होता है बोरो, ठीक है, और एक होता है आपको गर्मा। इसके बुआई का समय क्या है, इसके कटाई का समय क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है, बुआई का समय क्या है और कटाई का समय क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है। मेनली खरीफ का तो आप जानते हो, बोरो का मेनली आपको नहीं पता होगा, या ठीक पता होगा, मतलब क्वेश्चन ज्यादा आता है बोरो से ज्यादा आता है, गर्मा से बहुत कम आता है, बट बोरो से ज्यादा आता है। तो बोरो का अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसकी कटाई करते हैं, अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसकी बुआई करते हैं, सॉरी बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और कटाई हम लोग अप्रैल में कर लेते हैं। ये हो गई हमारी बोरो धान की, समझ में आ गई। वही गर्मा की बात करें तो गर्मा हम लोग बुआई मार्च में कर लेते हैं, गर्मा की जो है वो हम लोग बुआई मार्च में कर लेते हैं, और वही बात करें कटाई की तो इसकी हम लोग जून जुलाई में कर लेते हैं, है ना सर, जून जुलाई में कर लेते हैं, समझ में आ गई ये बातें। वही खरीफ की बात करें तो खरीफ का तो आपको पता है कि बुआई हम लोग मई जून में करते हैं, मई जून में करते हैं, और कटाई कब करते हैं, तो कटाई हम लोग अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं। बहुत इजी है, याद करना बहुत इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे याद करना है, देखो खरीफ का आपको पता होगा, ठीक है, अगर इधर नहीं दिख रहा है ना, इस साइड वाला अगर नहीं दिख रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ, लिखते चलो, ठीक है। खरीफ का देखो बुआई आपको पता है मई जून में करते हैं, ठीक है, और कटाई कब करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में करते हैं, इसके बाद हम लोग रबी का मौसम आ जाता है, सबको पता है। अब बोरो धान की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में हम लोग शुरुआत करते हैं बोरो धान की, ठीक है, और कटाई कब करते हैं, तो अप्रैल में करते हैं। देख रहे हो सिक्वेंस ऐसे चल रहा है, सिक्वेंस पूरा ऐसे चल रहा है, ठीक है। और गर्मा की बात करें तो मार्च में बुआई करते हैं गर्मी के मौसम में, और जून जुलाई में आते हुए काट देते हैं, यानी गर्मी का पीरियड है ये, ठीक है, गर्मी शुरुआत हो जाती है मार्च से, ठीक है, तो मार्च से लेके जून जुलाई में ये होगा हमारी गर्मी की फसल, यानी गर्मा धान की, ठीक है, और बोरो धान की अक्टूबर नवंबर, ठीक है, याद हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, बोरो धान की कटाई का समय क्या है, क्या दिए, अक्टूबर नवंबर है, क्या अक्टूबर नवंबर, अच्छा, कटाई है ना, तो अप्रैल है, अप्रैल हो गई, ठीक है, चलो सिंपल है ना। चल गर्मा धान देखो, गर्मा धान यहाँ पे देखो, गर्मा धान यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कटाई का समय, गर्मा धान का जून जुलाई में करते हैं, ठीक है, इसकी जून जुलाई में करते हैं, तो ये हो गई हमारी जून जुलाई में, क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई, इसको याद रखना, इस टेबल को आप लोग ध्यान में रख लो। चलो आगे की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो जी आगे बात करते हैं। निम्न में से इनमें से किसका उपयोग बिस्कुट उद्योग में होता है, बिस्किट किससे बनाया जाता है, अरे भैया गेहूं से बनाया जाता है, वीट से बनाया जाता है, चना का गेहूं, चना का बिस्किट खाए हो कभी, गन्ना का खाए हो बिस्किट, नहीं ना, मटर का खाए हो, नहीं ना, गेहूं का हमेशा देखोगे, मैरीगोल्ड की बात कर लो, हर जो भी बिस्किट आता है सारा गेहूं से ही बनता है, ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स होते हैं, है ना, वो अलग बात है, ठीक है चलो। हाँ वैसे लॉकडाउन में वगैरह में आपने जो बनाया था बिस्किट का, है ना, वो सब आटा से बनाया था, आटा कहाँ से आता है सर, गेहूं से आता है ना। चलो जी अब देखो आगे बात करते हैं, इनमें से किसका उपयोग पशु आहार में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एनिमल फीड, एनिमल फीड में यानी पशु के आहार में कौन सा क्रॉप ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, सबको पता होगा मक्का सर, मक्का है ना, मक्का का उपयोग लाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनेर भी कहते हैं, है ना, वो एक मक्का का ही होता है, ठीक है, मक्का के ही जंगली को, वाइल्ड वाइल्ड मक्का को कहते हैं, वाइल्ड मेज को जनेर भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, शक्तिमान टू किस फसल का प्रभेद है, शक्तिमान टू किस फसल का प्रभेद है, फर्स्ट ऑप्शन है चना,
ग्राम, वीट है, थर्ड ऑप्शन मेज है, लिंसिड है। बताओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मक्का। बहुत सही, मेज। मेज का है वैरायटी शक्तिमान, एक से लेके पांच तक रहता है, ठीक है, सबको पता होगा। ठीक है चलो जी, कृषि वर्ष कब समाप्त होती है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। पिछले साल दो दो नंबर में आए थे ये क्वेश्चन कि कृषि वर्ष का समय काल बताएं, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है चलो, इसमें बताओ कृषि वर्ष कब समाप्त होती है? कृषि वर्ष कब समाप्त होती है? व्हेन एग्रीकल्चर ईयर एंड्स। शुरुआत की बात नहीं कर रहा, इंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंड की बात करें तो वो अप्रैल मई में इंड होती है ना, अप्रैल मई में इंड होती है। शुरुआत होती है मई जून में, मई जून से लेके अप्रैल मई तक कृषि वर्ष होती है, अप्रैल मई तक। क्लियर? ये याद रखना, क्लियर ना? चलो, ये हमेशा पूछता है तो ये हमेशा याद कर लो, एक ना एक क्वेश्चन इससे रहेंगे, वो चाहे शुरुआत की हो चाहे वो चाहे समाप्त वाली हो, रहेंगे क्वेश्चन। और हाँ, बहुतों का ये कंफ्यूजन होता है, जो बैच ले रहा था मैं उसमें भी आप लोगों के ये क्वेश्चन थे कि सर मई जून और अप्रैल में ये उल्टा क्यों है। अरे उल्टा नहीं है ये, मान लो 2022 में, 22 में अगर मई जून शुरुआत हुआ है तो वो 2023 के अप्रैल मई तक चलेगा, यानी एक साल का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो हुई बात। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये उल्टा लिख दिया मैं गलती से कि अप्रैल में इधर होना चाहिए और मई जून इधर होना चाहिए, नहीं, यहाँ एक साल की बात कर रहे हैं। अगर इस साल मान लो मई जून से शुरुआत हुई होती है, अगर शुरुआत कृषि वर्ष मई जून से हुआ है तो नेक्स्ट साल के अप्रैल मई तक वो होती है एक कृषि वर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको आप लोग बहुत ही हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइसर साइसर एराइटिनम एल किस फसल की वनस्पति का नाम है? देखो सर, वनस्पति के नाम से आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए गन्ना है, चना है, गेहूं है और धान है। साइसर एरियंटिनम, ये एल क्यों लगता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, सबको पता है। इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच क्रॉप? विच क्रॉप, जितने भी आपको बॉटनिकल नेम आएंगे सारे में आपको अंडरलाइन करना है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने ओरियाजा सटाइवा लिखा ना, ओरियाजा सटाइवा। ठीक, हाँ ओरियाजा सटाइवा किसका है मुझे पता है, सब लिख रहे हो, क्या है, सबको पता है, मुझे मालूम है किसका है, ये धान का है। ठीक है चलो, मक्का का क्या है? जियामेज है। ठीक है, गेहूं का क्या है? टिटिका मेज सटाइवम है, सबको पता है, ये याद रखना। ठीक है चलो, ओरियाजा सटाइवा जैसे मैंने ये लिखा ना, जैसे मैंने ये लिख लिया, ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो वो कोई दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, कोई कोई दूसरा पेन लेके ऐसे करके अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसमें आपको एक नंबर भी नहीं मिलेंगे, काट दिए जाओगे। आप जब हायर स्टडी में जाओगे, इसके बाद बीएससी करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है या लिखना होता है एग्जाम वगैरह में। अगर दो पेन यूज करोगे तो जीरो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, जीरो नंबर मिलेंगे, जी हाँ सच बता रहा हूँ, जीरो नंबर मिलेंगे। तो एक पेन ही यूज करना अंडरलाइन के दौरान ही और लिखने के दौरान भी। ठीक है हाँ, अगर फेयर कर रहे हो वगैरह अच्छा दिखने के लिए उसमें कर सकते हो, बट हाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बॉटनिकल नेम के रिगार्डिंग, वनस्पतिक नेम के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ कि एक ही पेन से करना है अंडरलाइन भी और लिखना भी। ठीक है चल, बात क्लियर हो गई होगी, आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, इसका नहीं बताया आपने, साइसर एरियंटिनम एल इज बॉटनिकल नेम ऑफ विच क्रॉप? किस क्रॉप का ये बॉटनिकल नेम है? ठीक है, तो चना का है, ग्राम का है। शुगर कैन का क्या है? सक्कैरम ऑफिसिनेरम। वीट का क्या है? ट्रिटिकम मेसेटाइवम। राइस का क्या है? ओरियाजा सेटाइवा है ना। गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम मेसेटाइवम हो गई। और सोयाबीन का बताओ, ग्लाइसिन मैक्स है ना। ये सबको याद करना है आपको, बाद में जाओगे बहुत पछताओगे अगर नहीं याद किया अभी तो। ठीक है हाँ, तो ये ध्यान में रखना। ये हो गई सीड्रेट, हो गई जो आपको चार्ट दिया गया है ना, जो आपको चार्ट दिया गया है ना उसको आपको हमेशा रखना है। ये नहीं कि सर 12th पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए, पर
अब छोड़ो सर की बातें, सर के पास ही रहने देते हैं, सर के बैच में ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत पछताओगे सर, है ना, बहुत पछताओगे, मैं हमेशा से कह रहा हूं, ठीक है। चल, क्योंकि मेरा कभी ये उद्देश्य था ही नहीं कि आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है या आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। नहीं सर, मैं जब शुरुआत कर रहा हूँ, शुरू में जब से कर किया था, जब से मैंने शुरुआत किया था स्टडी करवाने का, तब से मैं आपको कह रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी कि बोर्ड एग्जाम के लिए, ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा मेरे से। मैंने क्रैश कोर्स में भी लाइन टू लाइन आपको कुछ नहीं करवाया, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल जानकारियां ही दी है, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी मदद तो होगा ही, बाकी जो फ्यूचर में आप दोगे एग्जाम उसमें बहुत बहुत पछताओगे अगर वो सब कवर नहीं किए तो, ठीक है, जो जो आपको बताया गया वो सारी चीजें, ठीक है। जो भी न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे आपको अपडेट आते रहेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि बिहार में जो एग्रीकल्चर की जो स्टडी है, जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही लो है, और मुझे क्या फेस करना होता है जब आउट ऑफ बिहार या बिहार के बाहर आप जाते हो, ठीक है, तो क्या फेस करना होता है वो मुझे मालूम है, वो सारी चीजें आपको करवाया जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही कर रहे होंगे, ठीक है, हिंदी में ही कर रहे होंगे, सोइंग का नाम पता नहीं होगा, सोइंग मतलब क्या होता है, बुआई करना, किसी को नहीं पता है, बहुतों को नहीं पता होता है, मुझसे पूछो नहीं पता होता है ना, नहीं पता होता है। तो बाद में जाके क्या करना होता है सर, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गई, फिर गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उससे बचना होगा आप लोग को, ठीक है। इस कारण से मेरे जितने भी स्टूडेंट थे जो पेड स्टूडेंट में आते थे, दोनों में मौका दिया जाता था, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, छूट है, पढ़ लो आप, आके बस ज्वाइन करो, बैठो, सिर्फ सेशन को लो, ठीक है, अगर टाइम है तो। मैं ये भी कह देता था सर, ये भी कह देते थे कि सर टाइम है आपके पास तो आ जाओ, बैठो, सिर्फ अटेंड करो क्लास को, ठीक है। चलो ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें आप पहली बार जुड़ रहे हो ना मेरे से, पहली बार जुड़ रहे हो इस कान से, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे स्पीड बढ़ने वाले हैं, अभी पर्याप्त समय है, जितना आपको करवा दिया गया है उसमें आपको रहो, और जितना करवाया जाएगा बस उतना पढ़ो, पर्याप्त समय आप लोग के पास, बहुत अच्छे से आप कवर कर जाओगे, 95+ आ जाओगे, बस हल्के से मेहनत करनी है, बस हल्का सा, और जो भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो सब आपको बनाते रहना है, वो सब भी आपको सबमिट करना होता है, ठीक है, वो सारे आपको अवेलेबल है, बुक वगैरह सारा अवेलेबल है आपको, हायर स्टडी के लिए बुक सारा अवेलेबल है। खैर, आई क्वेश्चन की बात करते हैं, देसी चना की बुआई का समय क्या है, देसी चना के बुआई का समय क्या है, तो 1 से 30 अक्टूबर, 1 से 30 नवंबर, 1 से 30 दिसंबर, 1 से 30 जनवरी। ये देखो इसमें इसमें चना जो है ना वो दो प्रकार का आता है, एक काबुली चना जिसको पनीर के साथ बनाते हैं, पनीर के साथ बनाते हैं, और एक देसी चना जो कि काला खा होता है, थोड़ा डार्क रेड होता है ना, ब्लैक नहीं कह सकते, डार्क रेड कह सकते हैं उसको, ठीक है, देसी चना। चलो इसकी बुआई का समय बताओ मुझे, है ना, 60 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका बताओ, हाँ, 1 to 30 नवंबर होगी। वही काबुली चना की बात करें, काबुली चना की बात करें, काबुली चना की बात करें, ठीक है, इसका बताओ, इसका बुआई का समय कब होता है, इसका बुआई का समय कब होता है, इसका होता है 15 अक्टूबर to 15 नवंबर। क्लियर, ये भी ध्यान में रखोगे, इसमें अगर देसी चना पूछ दिया तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में काबुली चना पूछे, तो काबुली चना का बुआई का समय 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर होती है, देसी चना का 1 से 30 नवंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर छोला प्रिपरेशन, छोला खाते होगे, खाए बोल रहे हो सर, अभी भी खा रहे हैं ना, चलो सर के लिए भी भिजवाते रहना। चलो छोले बनाने के में किसका उपयोग होता है, अरे इतना इजी क्वेश्चन, चना का होता है ना, चना का ही छोला बनता है ना। चलो जी आगे बात करते हैं, चल, खरीफ मौसम कब प्रारंभ होती है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया कब प्रारंभ होती है, तो जून जुलाई में, और जून जुलाई तो यहाँ है नहीं, तो मई जून लगा लेना, है ना, ऐसे भी देखना ऑप्शन के हिसाब से लगाना क्वेश्चन, व्हेन खरीफ सीजन स्टार्ट तो मई जून, वैसे नॉर्मली जून जुलाई से स्टार्ट होता है, बट मई जून से भी स्टार्ट होता है कई कई जगह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है, अंतर्वर्ती खेती ये जो टर्म है, एक आती है अंतर्वर्ती, इंटरक्रॉपिंग हो गई, इसको हम लोग अंतर्वर्ती कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो गई, और एक और पॉइंट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक आपको पढ़ना होगा रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको
ये सब 2 नंबर में भी आने के चांसेस है। तो ये सारे का डिफिनेशन वगैरह, इसका एग्जांपल भी आपको कवर करवा दिया जाएगा शॉर्ट वाले वीडियोस में। जितना भी शॉर्ट का कलेक्शन होगा ना, चैप्टर वाइज आपको लाने वाले हैं, चैप्टर वाइज। जी हाँ जी, बिल्कुल सही सही सुन रहे हो। चैप्टर वाइज आपको एक कम्बिनेशन मिलेगा जिसमें से एक चैप्टर का ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसको आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा बल्कि मात्रा में आएगा, ठीक है, थोड़ा सेशन अच्छे से चलेगा, ठीक है। चलो हाँ, इसका एग्जाम्पल बता दो कौन सा अंतर्वर्ती, इसका डिफिनेशन वगैरह सारा आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट के सेक्शन में जब करवाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अंतर्वर्ती गन्ना और भिंडी का होता है, ठीक है, सबको पता होगा। शुगर कैन और लेडीज फिंगर को करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित का, मिक्स क्रॉपिंग का। मिक्स क्रॉपिंग का देखो, मिक्स क्रॉपिंग का देखो, चना और तीसी का हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ग्राम और लिंसिड का करते हैं, ठीक है। चलो, और एक आती है बहुमंजलीय क्रॉपिंग। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमंजलीय खेती। बहुमंजलीय खेती का उदाहरण, ये भी क्वेश्चन आता है आपको। बहुमंजलीय खेती में क्या होता है कि जैसे ये क्रॉप है, ठीक है, जो थोड़ा लंबा है, फिर एक छोटा क्रॉप लगा दिए जो कि हाइट में छोटा रहेगा। अगर सनलाइट यहां से आए तो इस पे भी देगा, इस पे भी प्रकाश आएगी और इस पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बहुमंजलीय, कहते हो ना बहुमंजिला बिल्डिंग है, मकान बहुत मंजिल का है, बहुमंजिली है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी होता है, एक क्रॉप थोड़ा लंबा रहेगा, एक क्रॉप थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। मक्का अरहर थोड़ा समान रहता है, ज्वार अरहर भी समान ही रहता है, चना तीसी ये भी समान होता है, गन्ना एक बड़ा होता है, मूंग एक छोटा होता है, तो छोटा छोटा पौधा होता है, तो गन्ना और मूंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एक एक एग्जाम्पल और इसका डिफिनेशन, बहुमंजिला खेती किसको कहते हैं, ये सारे आपको याद रखना है। मैं पूछू क्वेश्चन तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। मृदा, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉइल? देखो सिंपल है, आप लोगों से सबको पता होगा, 0 to 7 रहता है, 0 to 7, और नॉर्मल 7 यानी ये हो गए न्यूट्रल, उदासीन जिसको कहते हैं हिंदी में, न्यूट्रल हो गई। 7 से कम हुआ तो ये एसिडिक होगी, और 7 से ज्यादा हुआ 14 तक वो बेसिक हो गई। तो एसिडिक पूछ रहा है, अम्लीय पूछ रहा है, तो 0 से 7, 0 से 7 मतलब लेस देन 7 यानी 7 से कम, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये गेहूं जल की कुल आवश्यकता कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप? आपको सारा बताया गया, धान का भी बताया गया, वीट का, गेहूं का भी बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे धान गेहूं का 28 हो जाएगा, और धान का पूछा जाए तो 200 to 500 है, ठीक है, समझ में आ गई। चलो, अरहर का शायद 62.5 होता है, वो देख लेना आप, मुझे कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। चलो, क्षारीय मृदा का विनिमय विनियम सोडियम प्रतिशत यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी ESP, ESP शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है। इसका बताओगे क्षारीय मृदा का विनियम यानी एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है, ये बताओगे मुझे आप। देखो इसमें आपको पता है कि सॉइल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है सॉइल। एक तो लवणीय होता है, लवणीय सॉइल, लवणीय मृदा है ना, लवणीय मृदा, अल्कली सॉइल जिसको सेलाइन सॉइल जिसको कहते हैं, एक होता है क्षारीय, है ना। इंग्लिश वाले समझ गए होगे, ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ वो समझ जाओगे, ठीक है। क्षारीय हो गई यानी अल्कली, और एक होती है लवणीय क्षारीय, एक होती है लवणीय और क्षारीय, ठीक है, ठीक है। अब इसका देखो पीएच भी याद रखना, इसका पीएच भी याद रखना, बट मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा ईएसपी के बारे में, सिर्फ ईएसपी के बारे में बताऊंगा। तो ईएसपी के बारे में आप देख लो, जो लवणीय मृदा होती है वो 15 से कम होती है, ईएसपी 15 से कम होती है, ठीक है। वही क्षारीय मृदा की बात करें तो 15 से अधिक होती है, 15 से अधिक होती है, क्लियर। वही लवणीय की बात कर ले, सॉरी लवणीय क्षारीय की बात कर ले तो इसमें भी 15 से अधिक होते हैं, ठीक है, 15 से अधिक होते हैं। पीएच वहीं पे यहां से कम हो जाता है, 8.5 से कम हो जाएगी, समझ में रहे हो, समझ आ रहा है। फिर क्षारीय मृदा की बात कर ले तो 8.5 से अधिक हो जाएगा,
पीएच से अधिक में ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, अधिक मतलब ऊपर जा रहा है, क्लियर। फिर लवणीय की बात कर ले तो 8.5 से कम, 8.5 से कम ये पीएच है, 8.5 से कम लवणीय में पीएच होगा, क्षारीय में 8.5 से अधिक होगा, लवणीय क्षारीय मृदा में पीएच जो होगा वो 8.5 से कम होगा। वही ईएसपी की बात करें, ये हम लोग की ईएसपी है, क्या है ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, लवणीय मृदा में 15 से कम, क्षारीय मृदा में 15 से अधिक, लवणीय क्षारीय में 15 से अधिक, ठीक है। ईएसपी यहाँ पे पूछ रहा है क्षारीय मृदा का, यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्षारीय मृदा का, तो क्या हो जाएगा क्षारीय मृदा 15 से अधिक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्लियर। ये समझ में आ गई सारी बातें, चलो हाँ ये भी चार्ट आपको बना के देर करना, याद रखना, नहीं तो आपको जो चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा करवाया जाएगा आपको, ठीक है, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास का, चूना का, सिंगल सुपर फॉस्फेट का, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया का। देखो म्यूरेट ऑफ पोटास को एमओपी भी कहते हैं, एमओपी, ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी, ये सब को पहचानना भी होगा आपको, फ्यूचर में जाओगे बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह करोगे तो उसमें आपको पहचानने को दिया जाएगा कि पहचानो भाई कौन एसएसपी है, पहले बताया जाएगा, बट थोड़ा जानकारी इन तक पढ़ना चाहिए ना यार, फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ना चाहिए ना, है ना, कॉलेज में जाओगे फर्स्ट दिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सीधा बोलोगे आप सर के सामने, जिसको पूरा क्लास आपकी इधर देखे, अरे इसको आ रहा है कहां से पढ़ा है, अरे वाह क्या बात है इतना कुछ जान रहा है, फिर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा गया तो समझो पूरा क्लास आपके पीछे रहेगा, पीछे मतलब पीछे पीछे नहीं जाएगा, मतलब कहते हो ना कि पूरा क्लास आपके पीछे अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे से जमाना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको करवा दिए जाए करवा दिए गए हैं, तो वो सब हायर स्टडी में काफी यूजफुल रहने वाले आपको, ठीक है। क्या बोर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, नहीं तो बोलोगे सर का एंटीना थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है ना, जो क्या ही बताएं। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, देखो तीन प्रकार की मृदा होते हैं ना, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, है ना, और एक होता है लवणीय मृदा, सबकी बात कर लेते हैं, एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक सॉइल, बेसिक सॉइल, फिर हाँ ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए ही सर, तो इस सब को इग्नोर मत करना, ठीक है। सीरीज में जितने चीज बातें करेंगे वो सारे बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है एल्कली सॉइल, सॉरी 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 एल्कली नहीं, सेलाइन, सेलाइन सॉइल, ठीक है। इसके हम लोग सिर्फ रिकम्बिनेशन की बात करते हैं, सॉरी रिक्लेमिनेशन की बात करते हैं, रिक्लेमिनेशन यानी सुधार के लिए, रिकम्बिनेशन रिक्लेमिनेशन इसकी बात करते हैं। एसिडिक सॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम का उपयोग करते हैं, लाइम का हिंदी क्या होता है, चूना होता है, ठीक है। चलो इसका आंसर तो हो गया पता कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो चूना का किया जाता है, चूना का इंग्लिश क्या होता है, लाइम होता है, चूना पत्थर का लाइमस्टोन, है ना, हाँ वही जो आप लोग खैनी, आप लोग नहीं मतलब देखते होगे खैनी में जो मिलाया जाता है चूना, है ना, उससे कैल्शियम मिलता है, ठीक है। चलो आप लोग के पास तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है ना, जो माँ जो आपको बताया जो शहर में रहते हैं यानी जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में रहते हैं ना, तो वहां पे जो दूध के साथ चूना मिलाया जाता है, जी हाँ चूना दूध के साथ, या कैल्शियम के लिए मेडिसिन खिलाया जाता है कि उसके अंदर कैल्शियम हो, क्योंकि उन लोगों के इधर ठंडा पड़ता रहता है तो कैल्शियम उतना नहीं मिल पाता है उन लोगों को, ठीक है। इसका आंसर वो लोग यूज करते हैं मेडिसिन का या पिल्स जो बोलते हैं, है ना, और चूना जो होता है उसको दूध में मिला के या गर्म पानी में मिला के वो लोग सर्व करते हैं पीते हैं, ठीक है। तो ज्यादा चकित मत हो, है ना, हम लोग के पास बहुत सारा कुछ है, अपने अंदर मिनरल है, एनर्जी है बहुत सारा, ठीक है। तो अपने लोग का बहुत अच्छे हैं, अपने लोग बिहार, बिहार यूपी जो मिड में पढ़ते हैं ना वो बहुत अच्छा है औरों के मुकाबले। बेसिक बेसिक सॉइल की बात करें, बेसिक सॉइल के लिए आपको जिप्सम का उपयोग किया जाता है, जिप्सम का फुल फॉर्म, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है ना, वो भी बताओगे, है ना, क्या होता है, चलो CSO4
इंटू हाफ एच टू ओ, है ना। अगर यहाँ पे टू एच टू ओ लग गई तो वो क्या हो जाएगी, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। 10th में पढ़े होगे आप लोग। चलो जी, सेलेन सॉइल के बारे में बात करें तो लीचिंग करते हैं, ठीक है, लीचिंग करते हैं, तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पूछा सिर्फ अम्लीय मृदा के लिए तो चूना का करेंगे, अगर क्षारीय पूछता तो जिप्सम का करते, ठीक है, और लवणीय पूछता तो लीचिंग। चल आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन, अरे खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, 35 पे एंड कर देंगे, 35 पे क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो हाँ, निम्न में से कौन विधि मक्का की सिंचाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सीधा बताया था आपको, कुंड विधि आएगा क्वेश्चन, मॉडल पेपर में दिया गया क्वेश्चन, बताया गया था क्लास के दौरान कि एक सिंचाई विधि से आपको आपको एक क्वेश्चन भी करवाया गया था लॉन्ग क्वेश्चन में, जितने भी प्रकार के इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन जो भी मेथड है, सबका एक डिस्क्रिप्शन दो, और आपने किया हुआ था तो सबके बारे में आपको पता हो कि बेसिन विधि क्या होता है, किस प्रकार से होता है, बॉर्डर विधि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। टेलीग्राम पे आपको दिया भी गया था चेक बेसिन के बारे में, बेसिन मेथड के बारे में दिया भी गया था, है ना, किस प्रकार से होता है बेसिन मेथड, चेक बेसिन मेथड, ये क्या होता है, साथ दिया गया था। मक्का के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुंड विधि का उपयोग करते हैं, है ना, फेरोमीटर। आगे बात करते हैं, न्यू में से इनमें से कौन खरीफ मौसम की खरपतवार है, खरीफ मौसम की खरपतवार है, ठीक है, तो लहसुआ है ना। देखो ये चैप्टर नंबर 5 का है, चैप्टर नंबर 5 का कितना क्वेश्चन आएगा देख लेना, आप देख लेना ये सारा क्वेश्चन, जो भी वीड वाला है वो सारा 5th नंबर का क्वेश्चन है इसका, ये हो जाएगा लहसुआ, है ना, खरीफ सीजन का है। अब यहाँ पे बात करो, इनमें से कौन बहुवर्षीय खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार है ना, बहुवर्षीय, विषखिपरा है, धतूरा है, पत्थर चट्टा, पिपरी, क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो धतूरा है, हाँ जी बिल्कुल धतूरा है, बहुवर्षीय पेरेनियल्स है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, इनमें से कौन बीज, एक बीज पत्री, ये भी देखो चैप्टर नंबर 5 का एक बीज पत्री है, मोथा, बथुआ, एक बीज पत्री है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक बीज पत्री मोथा हो जाएगा, है ना, मोथा हो जाएगा, ठीक है। और बथुआ की बात कर ले तो बथुआ एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और फ्रूट की बात करें तो मैंगो में पाया जाता है, ठीक है, कितना पाया जाता है, 4800 आयु पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आम में 4800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और बथुआ की बात करें तो 11300 आयु पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम बथुआ में आपको 11000, यानी 11300, सॉरी 11300 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इंग्लिश वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ क्या क्या करूँ, ठीक है, तो निकल जाता है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये हो गया, मोथा हो गया, हाँ। चलो मोनोकोटिलेडन्स दो प्रकार का होता है ना, मोनोकोटिलेडन्स, ट्राइकोटिलेडन्स, है ना। चलो बाकी मोथा, मकोई की बात कर ले तो ये सब, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, 30 नंबर की, इनमें से कौन सा, कौन है जो तना से पैदा होने वाला खरपतवार है, ये भी खरपतवार से आ गया। इनमें से कौन तना से पैदा होने वाला खरपतवार है, हिरनखुरी, मोथा, पत्थर चट्टा, धूप, तना से होता है तो आप बताओगे धूप, एक और होता है ना स्पेक ग्रास, स्पेक घास, ठीक है, तो ये सब होता है, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलो समझ में आ गया, जड़ से होता है हिरनपुरी, हाँ ये भी सही है, जड़ से होता है हिरनपुरी, मोथा, ये दोनों यहाँ पे कर लेते हैं जड़ से, ये जड़ से पैदा होती है। पत्थर चट्टा की बात कर ले तो पत्तियां से होती है, पत्ती से, ठीक है। और एक और है बोगन बोलिया, है ना, वो भी है एक जो पत्ती से प्राप्त होता है, मतलब पत्ती से पैदा होता है खरपतवार। चल आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड लिव्ड वीड, यानी जिसका चौड़ी पत्ती, दो प्रकार का होता है, एक संकरी पत्ती और एक चौड़ी पत्ती, ठीक है। तो बथुआ, धूप और मोथा, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से बताना है ब्रॉड लिव का, ब्रॉड लिव का क्या होता है, तो बथुआ होता है, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाली है बथुआ, ठीक है। और बाकी मोथा की बात कर ले और धूप की बात कर ले तो ये दोनों नैरो का है, तो ये दोनों नैरो मतलब संकरी पत्ती, हिंदी में भी लिख देता है,
हिंदी में भी लिख देते हैं, संक्री ऐसे ही लिखता है ना, शायद ऐसे ही लिखा जाता है, संक्रीपति का ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्यूटा क्लोर क्या है? ब्यूटा क्लोर तो खरपतवार नाशी है, ठीक है, सबको पता है, मुझे मालूम है। चलो, इनमें से कौन खरपतवार मक्का फसल में होता है? इनमें से कौन, इंग्लिश में थोड़ा बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वीट फाउंड इन मेज क्रॉप, मेज क्रॉप में कौन सा खरपतवार पाया जाता है? तो मकई पाया जाता है, गेहूं का बात करता है तो वाइल्ड गेहूं, ठीक है, वाइल्ड वीट यानी बन गेहूं, जिसको हम लोग गेहूसा भी कहते हैं, गेहूसा के अलावा गेहूं का मामा भी कहते हैं ना, बिल्कुल सिमिलर रहता है, ये पहचान नहीं पाओगे कि हाँ ये गेहूं का है या क्या है, ठीक है। चल, नीलहरी शैवाल का प्रयोग किस फसल में होता है? नीलहरी शैवाल का किस फसल में होता है ये बताओगे आप लोग, तो धान में होता है। इसके अलावा किसका होता है? तो एजोला का होता है। आपको टेलीग्राम पे मिल गया था एजोला का पिक्चर, आप घर में भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जहां पे रहता हूँ ना, वहां के छत पे भी ना ये किया हुआ है, ठीक है, एजोला उगाया गया है। मैंने कहीं रिसर्च के लिए गया हुआ था ना, रिसर्च प्लांट पे, तो वहां से मैंने ले आया था। वहां का थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश जैसे होता है ना, जैसे पिच वगैरह पे देखते हो क्रिकेट वगैरह पे या फुटबॉल वगैरह पे, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है, पानी के सतह पे रखा जाता है, अगर उसको बाहर निकाल के अगर धूप में रखते हो थोड़ा देर के लिए भी, तो वो सूख जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा होता है, मतलब दिखने में अच्छा होता है। और इसको भी देखा होगा आपने, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, बीजीए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीजीए, हाँ बीजीएमआई नहीं, बीजीए, ठीक है, बीजीएमआई नहीं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और एजोला धान के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलो, इनमें से कौन फसल हरी खाद के लिए उपयोगी है? हरी खाद के लिए उपयोगी है, देखो, मक्का है, ज्वार है, उड़द है, गन्ना है, क्या हो जाएगा? तो उड़द, ठीक है, ब्लैक ग्राम, ये हमारी हरी खाद के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गई 36 क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग होता है? सीसा, केचुआ, अरे सीसा, अच्छा, लीड, हाँ लीड। चलो, सीसा, केचुआ, लोहा, तांबा, तो केचुआ का होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमांत किसान की जोत का आकार होता है, सीमांत किसान के जोत का आकार होता है, कितना आकार होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में 1 से 2 हेक्टेयर, थर्ड में है 1 हेक्टेयर तक, फिर सी में है, सॉरी बी में है 1 हेक्टेयर तक, सी में है 2 से 4 हेक्टेयर तक, फिर डी में है 4 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है। मार्जिनल फार्मिंग आपको बताया गया है, मार्जिनल फार्मर, कितने प्रकार के फार्मर होते हैं, तो मैं अभी जस्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी जस्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ, कितने प्रकार के फार्मर पाए जाते हैं, किसान का कितना होता है 1 हेक्टेयर तक, 1 हेक्टेयर कितना होता है 1 हेक्टेयर तक, मतलब 1 हेक्टेयर से कम, समझ रहे हो, 1 हेक्टेयर तक लिखा जाए या 1 हेक्टेयर से कम लिखा जाए, 1 हेक्टेयर से कम लिखा जाए, दोनों बराबर हैं बातें, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आते हैं लघु किसान, उसके बाद आते हैं लघु किसान, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अर्ध मध्यम किसान, उसके बाद आते हैं अर्ध मध्यम किसान, अर्ध मध्यम किसान, क्लियर। फिर उसके बाद कौन से आते हैं, मध्यम किसान, उसके बाद मध्यम किसान, ठीक है, मध्यम किसान, उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद आते हैं वृहत किसान, उसके बाद वृहत किसान, ये क्लियर हो गई बातें। तो ये सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान, वृहत किसान, ये बांटा गया है किसके आधार पे, तो जमीन के आधार पे, ठीक है, जमीन के आधार पे, या जोत का आकार किस प्रकार का होना चाहिए उस आधार पे ये 5 भागों में बांटा गया, सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान, वृहत किसान, ठीक है। अब वृहत किसान का क्या होता है, कितना लिमिट होता है वो बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 H लिख देता हूं ना, H से अधिक, ठीक है, अधिक का ये साइन लिख लेना, ठीक है, थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूं ना, ठीक है, तो 10 हेक्टेयर से अधिक, तो वृहत किसान, क्लियर। फिर मध्यम किसान की बात करें तो 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में, 4 हेक्टेयर से, ये एन मत समझना, ये एच है, ठीक है, हेक्टेयर यानी एच ए,
लिखा जाता है, HA लिखा जाता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा रहा हूं, तो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर ये होती है मध्यम किसान की। ये याद रखना, ये टेबल को याद रखना। वैसे आपको एक टेबल दिया जाएगा, एक चार्ट पेपर दिया जाएगा जो एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगे, जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें रहेंगे जो टेबल के द्वारा याद करना होगा, जो याद करने में सिर्फ 2 मिनट लगे, वो सारी चीजें उसमें उस चार्ट पेपर में इंक्लूडेड होगी, ठीक है। वो सारी चीजें मिलती रहेगी, ठीक है। आप लोग लगातार मैसेज कर देना कि सर मुझे चाहिए ये, जल्द से जल्दी अपलोड कर दो, ठीक है। चलो तभी तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा ना। वैसे फ्री में दूंगा मैं आपको, कोई वैल्यू नहीं लूंगा, कोई मनी नहीं लूंगा, फ्री में दूंगा, बट थोड़ी अंदर से होनी चाहिए ना कि यार हाँ बच्चे इसको इतना पसंद कर रहे हैं, आप इतना पसंद कर रहे हो, मेरे द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है तो इतना पसंद कर रहे हो, मुझे अंदर से मोटिवेशन फील होगी, अरे यार इस बच्चे के लिए, इस सेशन के लिए, इस बैच के बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत समय है, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट, कैसा लग रहा है सेशन, या क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए, वो आप नीचे कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि अंदर से कुछ फील हो, अरे हाँ अब तो करना है। आपको पता ही होगा जो भी मेरे पेड वाले बच्चे हैं कितना मैं बिजी चल रहा हूँ, इसके बावजूद भी आप लोग के लिए रिकॉर्डेड डाल के या ये करके आपको सारा चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो अब आगे बात करें। हाँ ये बच गया अर्ध मध्यम की। अर्ध मध्यम की तो 2 से 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में ऐसे लिख ही लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कुछ भी बोलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो बच के ही चलना चाहिए, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, क्लियर। फिर मध्यम किसान की बात कर ले तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, क्लियर। तो ये याद रख लेना, ये पूरी डिटेल याद रख लेना। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर तक या 1 हेक्टेयर से कम, लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, ठीक है। फिर अर्ध मध्यम किसान आते हैं 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, फिर मध्यम किसान आते हैं 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, फिर उसके बाद वृहत किसान आते हैं जिसका 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, क्लियर बातें। मार्जिनल फार्मिंग की बात कर रहा है, फार्मर का बात कर रहा है, यानी सीमांत किसान की बातें कर रहा है, तो 1 हेक्टेयर तक या 1 हेक्टेयर से कम, तो अप टू, यहाँ पे OT नहीं है, टू होगा, ठीक है, अप टू 1 हेक्टेयर, क्लियर हो गई सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है। आगे क्यों क्वेश्चन की बात किया जाए, सहकारी उन्नत खेती में भूमि का स्वामित्व होता है, स्वामित्व होता है, कौन सा मालिक होता है, कौन मालिक होता है, ये बताना है सहकारी उन्नत खेती का, ठीक है। सहकारी उन्नत खेती का यानी इन कोऑपरेटिव बेटर फार्मर फार्मिंग ओनरशिप ऑफ लैंड इज, जब दोनों मिलके, सहकारी मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव, तो कौन सा मालिक होता है, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, जी हाँ बोथ एंड बी, ठीक है, बोथ एंड बी होता है, क्लियर। इसका सही आंसर बोथ एंड बी हो जाएगा, जब सहकारी खेती हो जाती है तो दोनों मालिक होते हैं, दोनों स्वामी होते हैं। इनमें से कौन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है, देखो अब हॉर्टिकल्चर वाली आ गई है ना, आपको हॉर्टिकल्चर तो आता है, उंगलियों पे गिनाया था कौन उपोष्ण वाली है, सेशन जाके देख लेना, बहुत मजेदार सेशन है, यूट्यूब पे भी दिया गया, बीसीसी वालों में पढ़ाया गया है, कैसे याद करना है वो भी आपको बताया गया था, सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है, बाकी और कुछ नहीं याद करना है इसमें, ठीक है। सारा सेशन करवा दिया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ समझो, यहाँ पे बात करते हैं, सिर्फ आंसर बोलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल ये इसका याद करते रहना, फर्स्ट चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, और ऐसे ही हॉर्टिकल्चर वाले सेक्शन में भी और एग्रोनॉमी वाले सेक्शन में भी, इस तीनों का सिर्फ जो जो दिया गया एग्जाम्पल वो सारे याद कर लो भैया। ऑब्जेक्टिव आंसर और जो शॉर्ट आंसर जो 2 क्वेश्चन वाले होते हैं सारे हल हो जाएंगे, सारे आपके उंगलियों पर रहेंगे, है ना, तो वो याद कर लेना एक बार, ठीक है। चलो हाँ, इनमें से कौन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल है, अमरूद है, केला है, पपीता है, अंगूर है, इसका आंसर बताओगे मुझे, क्या आंसर हो जाएगी इसमें। हाँ उपोष्ण, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, तो अंगूर हो जाएगी, सब ट्रॉपिकल फ्रूट अंगूर हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करें, इनमें से कौन सा ग्रीष्मकालीन सब्जी है, देखो वेजिटेबल वाला भी आ गया, एक फ्रूट से आ गया, एक एक सब्जी से आ जाएगा, है ना। अब देखो इनमें से कौन ग्रीष्मकालीन सब्जी है, फूल गोभी ऑप्शन में है, फूल गोभी ऑप्शन में है, करेला ऑप्शन में है, आलू ऑप्शन में है, टमाटर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समर सीजन वेजिटेबल। अच्छा ये सोच लो कि मुझे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने आपसे भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये तो जानते हो कि गर्मी के मौसम में कौन सा सब्जी सबसे ज्यादा खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, है
अरे क्या बात कर रहे हो सर, ये सब तो ठंडी में खाते हैं, ठंडी में उपज होती है। तो करेला हम लोग का हो जाता है ग्रीष्मकालीन, बीटर गॉड। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई यहाँ पे बातें। तो करेला, बाकी ये सब बोले जैसे ही ठंडी की, तो ये सारी हो गई रबी की, ठंडी मतलब रबी, और ये हो गई हमारी खरीफ की। देखो भैया अब क्वेश्चन उल्टा भी सकता है, ये बोर्ड है, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ सकती है, तो ये उल्टा भी सकता है। बोल देगा ग्रीष्मकालीन न पूछे, यहाँ पे खरीफ बोल देगा कि इनमें से कौन सा खरीफ वाली सब्जी है, ऑप्शन सेम रहेगा। तो क्या लगाओगे, करेला लगाओगे, वही रवि का बोल दे और सारा ऑप्शन इधर उधर कर दे, तो क्या हो जाएगा, रवि मतलब ठंडी वाली फसल, ठंडी वाली सब्जी। तो ये दिमाग में बातें रख लेना बउआ। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बात करना अपना दिमाग में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन जड़ वाली सब्जी है। अब भैया जड़ वाली सब्जी, ये कहां से क्वेश्चन ला दिए, अरे ऑप्शन तो देखो तुरंत बन जाएगा। मूली, बैगन, टमाटर। मटर, बैगन जड़ वाली सब्जी है, अरे नहीं सर, मटर नहीं तो टमाटर, अरे नहीं तो मूली है ना, मूली तो जड़ से निकालते हैं, जैसे आलू वगैरह को खोदते हैं उसी प्रकार से। तो समझ में आ गई बातें, बातें समझ में आई, तो मूली हो गई जड़ वाली सब्जियां। तो क्वेश्चन देख के घबराना मत, उसके ऑप्शंस को भी देख लेना, आपके अगर साथ में क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन को देख के घबराना मत, है ना, एक बार ऑप्शन ही पढ़ लेना, ऑप्शन में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है ना, तो उसको खोद के निकाल लेना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन, टमाटर का खाने योग्य भाग डैश है, इडिबल पोर्शन ऑफ टोमेटो पूछ रहा है ना, इडिबल पोर्शन ऑफ टोमेटो पूछ रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन। तो भैया टमाटर का क्या खाते हैं, फल खाते हैं, है ना, उसका बीज नहीं खाते, उसका फूल नहीं खाते, उसका तना नहीं खाते। क्लियर हो गई बातें, तना किसका खाते हैं, तो आलू का खाते हैं भैया, किसका खाते हैं, आलू का खाते हैं। वही बात करें फूल किसका खाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सरसों का, और क्या, और क्या, मेथी का, मेथी भी लिख लेना, मेथी का। क्लियर? अब बात करें बीज किसका खाते हैं, तो बीज तो मटर का खाते हैं ना, जो बीच में से निकालते हैं मटर, है ना, तो ये मटर हो गई। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई। एडिबल पोर्शन ऑफ स्टेम, सॉरी, एडिबल पोर्शन ऑफ टोमेटो, है ना, स्टेम तो आलू का होता है। मैं इस ये बार बार दिमाग में इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये बहुत घुमाएगा आपको, क्योंकि आप तो यहाँ पे रूट देखोगे, क्योंकि आलू तो निकलती है रूट से, है ना, ये जैसे आलू है, ये जैसे आलू है, और ऐसे नहीं रहता है लेकिन आलू है मान लो, तो ये तो निकलती है जड़ के अंदर से, तो आप लोग समझोगे कि ये तो रूट होगी बट स्टेम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। स्टेम है किसका, पोटैटो का, है ना, और सबका साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम याद रख लेना सबका। क्लियर? थोड़ा लाइट कट गई है, क्या किया जाए, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन मसाले वाली फसलें, अब भैया देखो कौन बताएगा इसका, सही बता दो। जीरा है ऑप्शन में, आलू है, बैगन है, टमाटर है, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पाइस क्रॉप, कमिन, जीरा कहते हैं इसको, और यही सही उत्तर हो जाएगा। पोटैटो तो हमारी मसाले वाली फसल तो है नहीं, ब्रिंजल तो है नहीं, टोमेटो तो है नहीं, सही उत्तर जीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इनमें से कौन लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है, लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है, यहाँ पे पूछ रहा है, 44 नंबर का आंसर बताओ। इसमें देखो दो कंफ्यूजन है, इसमें आपको दो दो ऑप्शन दिख जाएंगे, बेल और आमला, ये दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे, आमला भी सही है बेल भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो कैस प्रकार से करोगे। देखो सबसे पहली फिर अंजीर की बात करते हैं, तो अंजीर जो हम लोग का एसिडिक है ना, ऑप्शन से हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, विलुप्त करते हैं, अंजीर हो गई, वो एसिडिक मृदा में काफी अच्छे से उपजाई जाती है, ठीक है। वही अनानास की बात कर ले, तो ये भी एसिडिक में, ये भी एसिडिक में, ठीक है। वही आंवला की बात करें, तो ये सेलाइन में, ये हमारी सेलाइन में होती है, ठीक है। और यहाँ पे बेल है दिया, और यहाँ पे एक बेर भी होगा, ठीक है, तो सही उत्तर आपका आंवला हो सकता है और बेल भी हो सकता है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या आंसर होगा, बट आपके बुक के अनुसार आंवला सही उत्तर हो सकता है, और वेबसाइट पे भी देखोगे तो आंवला हो जाएगा, ठीक है। बट कहीं कहीं आपको बेल भी दिया गया होगा या बेर दिया रहता है, तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना, अगर बेर रहता
तो ये लवणीय मृदा हो सकती थी, ठीक है। तो इसको आप क्यू में रखना, ये आपको मैं जब भी देख लूंगा गूगल पे तो आपको ये बता दूंगा, ठीक है। जब भी मैं गूगल पे देख लूंगा ये किसका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सेलाइन सॉइल के लिए, लवणीय मृदा के लिए आपको अम्ला आंवला होना चाहिए। बट एक बार देख लेना, आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा, फिर कमेंट में देख लेना एक बार कि क्या आंसर सही हो जाएगा, मैं कर दूंगा पब्लिश, ठीक है। तो सेलाइन आंवला का भी हो सकता है, ठीक है, तो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये 44 नंबर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लेना बाद में, ठीक है। 45 नंबर, इनमें से कौन फलों का राजा है? फलों का राजा आपको बताना है। आम सही उत्तर हो जाएगा, बेकार में पूछ लिया मैंने ना, बेकार में पूछ लिया, मुझे मालूम है। चलो, मालदा किस फल की किस्म है? बहुत अच्छी मालदा होती है, बहुत टेस्टी होता है, मेरा फेवरेट मालदा, ठीक है, तो आम का हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आम का सीजन भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा, आम का भी, आम भी बोल रहे हैं, अपना टाइम भी आएगा, है ना। चलो, 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कैरी कैसी किस फल की कुल है? यहाँ पे कैरी कैसी बता रहे हैं, देखो फैमिली से भी क्वेश्चन आते हैं, बॉटनिकल लैम से भी क्वेश्चन आते हैं, सिड्रेट के अभी तक क्वेश्चन नहीं दिए गए मॉडल पेपर में, बट पिछले साल क्वेश्चन आए थे, बट इस मॉडल पेपर में अभी तक क्वेश्चन नहीं हुए हैं, क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं दिया है सिड्रेट के लिए। तो हो सकता है सिड्रेट नहीं पूछा जाए, बट ये भी नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, तो याद कर लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो चार्ट पर काफी यूजफुल होने वाला है ना। और आप लोग भी परेशान हो, थोड़ा आपके अंदर की जो उत्तेजना है उसको उत्तेजित करते हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा, कोई चिंता मत करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। देखो जी, अभी इतने सब्सक्राइबर हो, इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है, तो अगर अभी प्रोवाइड कर दे तो बहुत कम बच्चे के पास पहुंचेगा ना। तुम भी सोचो ना, आपके दोस्त के पास बहुत कम पहुंचेगा, अगर थोड़ा ज्यादा आ जाते हैं बच्चे तो उनके साथ साझा करेंगे। तो देखो यार, सबके साथ, बचपन में मैंने सुना था, मुझे भी यही लगता है कि सबके साथ मिलजुट के खाओगे ना, जैसे एगो बच्चा का होता है ना, एगो बच्चा अगर ये खाया और उसको उस बच्चा को नहीं देगा तो क्या बोलती है मम्मी लोग, सब मिलजुल के खाओ, है ना, तब राजा घर जेबी, है ना, तब राजा घर जेबी। तो वही बात है, सब मिलजुल के बांटेंगे तभी तो राजा घर जाएंगे, मतलब अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है कैरी केसी, तो कैरी केसी हम लोग का पपीता का हो जाता है, सही उत्तर हो जाएगा पपीता, पपाया। कैरी केसी इज द फैमिली ऑफ विच फ्रूट? तो पपाया, ठीक है, पपाया। वही अमरूद की बात करते हैं, अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सीडियम गोजावा होता है। गोवा का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम की बात करो तो वो हो जाती है सीडियम गोजावा, ये याद रखना, ठीक है। इसमें ना पूछे तो बाद में पूछ सकता है, इसकी फैमिली हो जाती है मिरिटेसी। ध्यान में रखते रहो, बस रीडिंग कर लो एक बार, दिमाग में दोहराते रहो, आपने पढ़ रखा है, नोट नोट में आपने नोट नोट डाउन कर रखा है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस अनुसार, ठीक है। गोवा का फैमिली होता है क्या होता है? मिरिटेसी होता है। वही नेक्स्ट ऑप्शन है केला, केला का म्यूसेसी होता है, और फिर अनानास का, अनानास का आपको बोमेलेसी होता है, शायद बोमेलेसी, देख लेना आप, ठीक है, बोमेलेसी, मुझे जहां तक आइडिया, हायर स्टडी में बोमेलेसी होता है, आपके बुक में क्या लिखा गया वो मुझे नहीं आइडिया अभी, ठीक है, वो देख लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो बता देना जिसको मालूम है ना, अभी जस्ट बता ही दो, अभी अभी जस्ट बता दो क्या है अनानास का, ठीक है। चलो, हायर स्टडी में आप बोमेलेसी पढ़ोगे, आप हायर में जाओगे तो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बातें। और आम का, आम का, आम का भी देख लो, आम का एना कार्डियसी होता है, आम का एना कार्डियसी होता है, ठीक है, एना कार्डियसी, ठीक है, एना कार्डियसी होता है। फिर वही बात करें पपीता की, तो कैरेकेसी होता है, ये तो आपने नोट कर लिया। चुकंदर का चेनोपोडियसी, चेनोपोडियसी होता है, ये भी आपने पढ़ लिया। गाजर का अम्बिली फेरी होता है, ये भी आपने कर लिया। आलू टमाटर ये बराबर पूछते हैं, तो सोलेनेशी होता है इसका कुल, ठीक है, तो ये सब आपके जबान पे होनी चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर, कुर्ग हनी ड्यू किस फल की किस्म है? ये किस्म है, ठीक है, कुर्ग हनी ड्यू ये एक किस्म है, तो ये किसकी किस्म है? ये जो किस्म है कुर्ग हनी ड्यू इज द वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, ये आपको बताया गया है, ये आपको बताया गया पपीता का, साथ में एक और बताया गया था पूषा नन्हा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी यूजफुल है ही, उसके अलावा जो साइंटिफिक, जो सॉरी, जो आपके बीसीसी के एग्जाम, जो आईसीएआर के एग्जाम होते हैं, इसमें भी काफी यूजफुल होता है ये, पूषा नन्हा बराबर पूछते रहता है, ठीक है। तो याद रखना, पपाया का है कुर्ग हनी ड्यू और पूषा नन्हा, ये दो वैरायटी बराबर पूछते हैं एग्जाम में, तो ये पपाया का है, ठीक है। चल आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन
49 नंबर, मेरिटेसी किस फल की फैमिली है? मिरिटेसी इज द फैमिली ऑफ विच फ्रूट? मिरिटेसी अभी जस्ट ऊपर में बताया अमरूद का, गौवा का, इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? सीडियम गौजावा। सीडियम गौजावा क्या होता है? सीडियम गौजावा। और हाँ अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। चलो ये वी है, ये एन मत समझना, ये वी है, ठीक है, गौजावा। चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से किसका उपयोग बालों का तेल बनाने में होता है? इनमें से किसका उपयोग बालों का तेल बनाने में होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज्ड फॉर हेयर ऑयल? तो आंवला भैया, बहुत सारे यूज भी कर रहे होंगे, है ना, लड़कियों में थोड़ा ज्यादा क्रेज होता है आंवला का, आंवले की प्रोडक्ट को यूज करने में, ठीक है, उसका फेस वॉश भी आंवला से होना चाहिए, नीम वाला होना चाहिए, है ना, साबुन भी वही होना चाहिए, है ना, और हेयर ऑयल तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो हाँ सबका सही होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी वी आई लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। चंद्रशंकर किस फल की किस्म है? कई कई बार रिपीटेड भी हो जाते हैं, बट यही नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, हो सकता है नारियल का कुछ और दे दे, है ना, बेर का कुछ और दे दे, तो हो सकता है, बट किस्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वैरायटी वाले भी याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं चार्ट जो आपको बोला गया था बनाने को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे गुड न्यूज आने वाले हैं, ये साल का, ये इस साल का लास्ट वीडियो होने वाला है जो इस चैनल पे जाएगी, ठीक है। हो सकता है कुछ हो जाए 12 से पहले, कुछ न्यूज आ जाए आप लोग के रिगार्डिंग, या आपके जो बड़े भाई हैं उसके रिगार्डिंग जो एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है, बट चांस बहुत कम है। तो मिलेंगे अब नए साल में ही, तो ये इस साल का बहुत ही लास्ट वीडियो, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है हम लोग को, और आशा करता हूँ कि नए साल में भी और नए लोग जुड़ेंगे, नई आशाएं के साथ जुड़ेंगे, हमारे अंदर भी कुछ नई जोश होगी और आप लोग के अंदर भी वही पुरानी नई जोश होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर इज द वैरायटी ऑफ विच फ्रूट? नारियल, कोकोनट, आंवला, बेल होगा या बेर होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा या आप मुझे बताओ, 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नारियल सही उत्तर हो जाएगा, नारियल। और ये देख लेना, एक थोड़ा नोट डाउन कर लो एक बार कॉपी के आगे में ना, ऊपर में जो ऊपर का बार होता है ना, जो स्पेस रहता है खाली, उसमें यहाँ पे लिख लो, जो चंद्रशेखर वैरायटी है वो फर्स्ट कोकोनट हाइब्रिड है, फर्स्ट कोकोनट हाइब्रिड है, ठीक है। ये कहां से लाया गया था? तो सीपीसीआरआई, ठीक है, सीपीसीआरआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये होता है, ठीक है। तो और इसका ये एक हाइब्रिड है, तो वाजिब सी बात है ये दो क्रॉप, दो फ्रूट से मिलके बना होगा, तो दो फ्रूट कौन कौन सा है ये भी आप देख लेना, एक है सीओडी और एक है डब्ल्यूसीटी, एक है सीओडी, हाँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, सीओडी का होता है काउ घाट ऑरेंज ड्वार्फ, काउ घाट इस प्रकार से है, काउ घाट ऑरेंज ड्वार्फ, और एक है टॉल वैरायटी, क्योंकि जब हाइब्रिडेशन होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एक टॉल वैरायटी में होती है, एक ड्वार्फ वैरायटी में होती है, तो काउ घाट ऑरेंज ड्वार्फ ये एक वैरायटी थी, और दूसरी वैरायटी थी वेस्ट कोस्ट टॉल, तो ये दोनों का हाइब्रिडेशन हुआ है, फिर ये चंद्रशेखर बना है जो कि फर्स्ट कोकोनट हाइब्रिड थी, जो कहां से डेवलप की गई है, सीपीसीआरआई से की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, थोड़ा एक्सटर्नल जानकारी रख लेना है, क्योंकि ये नहीं कि बस पढ़ ही रहे हैं और सिर्फ रट्टूमल नहीं बनना है, आपको समझना है, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ही समझने वाली ही है, जिसको आप रट लोगे वो नहीं समझ पाओगे, बाद में जाके फिर भूल जाओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं, अभी मैं पढ़ के 12th में पढ़ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो समझो सारी चीजों को, और एक से दूसरे को लिंक करो, जैसे मैंने अभी सीओडी बताया, है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, क्या होता है? काउ घाट ऑरेंज ड्वार्फ, और आपको ये भी बताया कि एक ड्वार्फ और एक टॉल, यही दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन होती है, तो ये दिमाग में रख लेना, जितने भी हाइब्रिडेशन वाली क्रॉप होगी, जो हाइब्रिड हुआ है, तो वो एक डॉट वैरायटी होगी या एक टॉल वैरायटी होगी। इसके अलावा कुछ अलग भी हो सकता है, एक व्हाइट फ्लावर हो सकता है, एक ब्लैक फ्लावर हो सकता है, वो लोग आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, जेनेटिक्स चैप्टर होगा आपकी, एक बुक आएगी उसको आपको पढ़नी होगी, है ना, और बहुत पछाड़ता है वो, है ना, अच्छे अच्छे बच्चे मात खा जाते हैं, मैं भी खा जाता हूं,
है ना, मुझे भी नहीं आती उतनी जेनेटिक्स में, जनरली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत मेहनत करना होता है, ठीक है, इसके पीछे बहुत दिमाग खर्च करना होता है, ठीक है। चलो तो ये भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से चेनोपोडियोसी कुल का पौधा है, तो चुकंदर का, चुकंदर के अलावा और भी बताते रहना, पालक, जो बराबर पूछता है क्वेश्चन, 2020 में पूछा हुआ था ये, है ना, पालक वाली, तो चेनोपोडियोसी कुल की पौधा होती है, ठीक है। चल ये बातें क्लियर हो गई। आगे बात करें, पोटैटो और टोमेटो, ये बात बता ही रखा हूँ सोलेनेसी की होती है। कैरेट के बारे में बता ही रखा हूं कि अम्बेली फेरी होती है, क्या होती है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी। चलो ये भी क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम एल है। देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबेरोसम एल, अंडरलाइन किया गया है, आप लोग भी कर लोगे, ठीक है, मतलब जब भी लिखोगे तब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, तो आलू हो जाएगा, आपको बताया गया है। गाजर का क्या होता है, डक्कस कैरोटा होता है, सबको मालूम होगा, सबको मालूम होगा डक्कस कैरोटा होता है, ठीक है। चलो आलू का पता ही चल गया, सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है, और टमाटर का सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है, शायद इस प्रकार से होता है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, एक बार आप देख लेना, आई थिंक सोलेनम लाइकोपर्सिकम ही होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 54 नंबर। इनमें से पूसा रेड किस फसल की किस्म है, किस फसल की, पूसा रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैरायटी ऑफ पूसा रेड। पूसा रेड ओनियन की है, बहुत सारे ऐसे लगाएंगे, कैरेट लगा देंगे क्योंकि तो रेड रेड तो ऐसा नहीं है, पूसा रेड, ठीक है। चल आगे बात करें, इनमें से किसको विलायती बैगन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विलायती बैगन, तो टमाटर को कहते हैं, ठीक है। 55 नंबर का ये आंसर सही हो जाएगा, टमाटर का बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकम, सॉरी सोलेनम लाइकोपर्सिकम, है ना, पूरा बोलना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 नंबर, राजेंद्र सोनिया किसकी किस्म है, राजेंद्र सोनिया किसकी किस्म है, तो हल्दी की किस्म है, ये देखो स्पाइसी वाली कंडीमेंट क्रॉप में आ गई, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, राजेंद्र सोनिया, है ना। चलो सुरभि किस फसल की किस्म है, सुरभि की बात कर रहा है, तो किस फसल की किस्म है सुरभि, किस फसल की किस्म है, धनिया की है, अदरक की है, आलू की है, टमाटर की है, किसकी है, तो अदरक की है। इनमें से कौन फसल फैबेसी कुल की है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ फैबेसी, है फैबेसी, ये क्या लिख दिया भाई, फैबेसी, है ना। चलो फैबेसी फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली को बताना है, ये पूछ रहा है इस वेजिटेबल में, ये क्रॉप जनरली क्रॉप में, सीरियल क्रॉप में नहीं पूछ रहा है, ये वेजिटेबल के अंदर पूछ रहा है, यानी इसमें सारा जो भी दिया गया वो स्पाइसी क्रॉप है, कंडीमेंट्स वाली है, ठीक है, स्पाइसी क्रॉप है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा, मेथी हो जाएगा, है ना। धनिया किससे होता है, एपीएससी होता है, हाँ शायद एपीएससी होता है। हल्दी, अदरक, अदरक पता ही होगा, अदरक किसका होता है, तो गिंगर बिटेसी का होता है, ठीक है। चलो हाँ, और इसका देख लेना एक बार, हल्दी का देख लेना कौन सा फैमिली होता है, ठीक है, एक बार। इनमें से कौन मसाले वाली फसल है, ये भी देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इनमें से कौन मसाले वाली फसल है, तो मंगरेला, है ना, ये सब मसाले वाली फसल नहीं है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गेंदा की व्यावसायिक किस्म है, गेंदा की व्यावसायिक किस्म है, पूषा बसंती, कमर्शियल क्रॉप है ये, पपाया का, पपीता का, ये बराबर पूछता है, ठीक है, आपको ऊपर भी बताया गया, तो पूषा बसंती है गेंदा का, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंदा फूल का उपयोग किया जाता है, माला में किया जाता है, गुलदस्ता में किया जाता है, पूजा में भी किया जाता है, सभी में किया जाता है ना, घर को सजाने में भी किया जाता है, सब जगह, पूजा में भी किया जाता है, ठीक है, चलो सभी जगह यूज किया जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, हाँ गुलाब का भी उपयोग किया जाता है ना। चलो गुलाब का भी अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो उसका भी ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पौधा सगंधीय पौधा है, गुलाब, गुलदाउदी, दहेलिया, पुदीना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक प्लांट पूछ रहा है, तो पुदीना। क्वेश्चन, ग्लेडियस किस कुल का पौधा है, ग्लेडियस इज द फ्लावर ऑफ विच फैमिली, ग्लेडियस 63 नंबर क्वेश्चन का बता रहा है, ठीक है, तो
हाँ रोजेसी तो रोज का हो जाएगा, रोजेसी तो रोज का हो जाएगा, कंपोजिट तो सनफ्लावर का हो जाएगा। ठीक है देखो भैया, नाराज हो गए आप, नाराज हो गए तो लाइट भी कट गई ना, नाराज क्यों हो रहे हो, बता रहा हूं ना इरिडेसी होता है ना, इरिडेसी होता है। ग्लेडियस किस कुल का पौधा है, तो इरिडेसी कुल का पौधा है। क्लियर हो गई बातें, चलो आगे बात करें। गुलदाउदी के शकर को किस माह में लगाया जाता है, शकर ऑफ क्रेजेंथेमम, ठीक है तो इसका बताओगे सितंबर अक्टूबर में, बिल्कुल सही सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। हाँ देखो 65 नंबर में है, इनमें से कौन सा कौन पुष्पों का राजा है, फूलों का राजा है, तो कौन है फूलों का राजा ये बताओगे, गेंदा है, अरे नहीं जी गुलाब है, ठीक है गुलाब आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन व्यक्तिगत संपर्क का उदाहरण है, व्यक्तिगत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट, ये देखो एक्सटेंशन एडुकेशन का है, एक्सटेंशन एडुकेशन जो आपकी लास्ट चैप्टर है एक्सटेंशन एडुकेशन, और हम लोगों ने पहले ही इसको कवर कर लिया था, पेड वाले बच्चे होंगे या फ्री वाले बैच के बच्चे होंगे जो यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए भी ये सारा एक ही टॉपिक में एक ही वीडियोज में आपको वन शॉट करवा दिया गया था एक्सटेंशन एडुकेशन से। वैसे तो जो आपकी प्रोस्पेक्टस वगैरह है जो लेटर है उसमें आपको, और मैंने भी बहुतों को बताया कि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, बट कई कई बार आपको 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 2 तो ये पक्का है कि रहता है और 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आ जाता है जो कि सब्जेक्टिव में दे देगा एग्जाम्पल देने को, ठीक है तो ये भी ध्यान रखना। 4 नंबर टोटल रहता है क्वेश्चन, 4 नंबर का टोटल रह सकता है क्वेश्चन, 2 नंबर शॉर्ट में रहेंगे कि 2 उदाहरण बताइए, ठीक है पर्सनल संपर्क का या विजुअल का 2 एग्जाम्पल बताइए वो दे सकता है, और 2 नंबर का एक एक एमसीक्यू तो रहता ही है, ठीक है एक्सटेंशन एडुकेशन इस चैप्टर से, और वन शॉट किया गया है बता दिया गया है, अगर बोलोगे तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको 5 मिनट में आके बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे को बता देंगे, ठीक है चलो करवा दिया जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो हाँ तो यहाँ पे बता रहा है पर्सनल कॉन्टेक्ट का, पर्सनल कॉन्टेक्ट का गृह एवं फार्म भ्रमण, प्रक्षेत्र दिवस, टेलीविजन, रेडियो, ठीक है चल, होम एंड फार्म विजिट, फार्म डे, रेडियो, टेलीविजन, देखो टेलीविजन से हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं है ना, हाँ सुनते भी हैं, और रेडियो से क्या है सिर्फ सुनते हैं इसे, फार्म डे तो सेलिब्रेट किया जाता है, और होम एंड फ्री होम एंड फार्म विजिट ये हम लोग जाके भी मिलते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा, होम पे जाके फार्म विजिट करना। आप जब एमएससी वगैरह करोगे और एमएससी में आप जब एलपीएम का लोगे, एलपीएम डिपार्टमेंट में जाओगे या एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको यही करना है, पूरे 2 साल आपको यही करना होता है, होम एंड फार्म विजिट, होम पे जाइए, किसी घर पे जाइए, फैमिली के घर पे जाइए और फार्म विजिट कीजिए, यही होता है, ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन दृश्य श्रव्य उपकरण है, भी ऑडियो भी विजुअल होना चाहिए, ऑडियो भी होना चाहिए और विजुअल भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा भैया, टेलीविजन हो जाएगा, सही उत्तर टीवी हो जाएगा। चलो जी चलो जी देखो अब इनमें से कौन जेली के लिए उपयुक्त होता है, जेली के लिए उपयुक्त होता है तो भैया अमरूद होता है ना, तो अमरूद लिख लेना। चलो जी हाँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चिप्स के लिए उपयुक्त होता है, चिप्स के लिए उपयुक्त होता है आलू, हाँ जी बिल्कुल आलू होता है ना, आम का चिप्स नहीं तो, आम का तो चमोट बनता है ना, आम का तो जूस बनता है, ठीक है तो वो कर लेना, और जेली जेली बनता है अमरूद का, बेरी को तो वैसे भी खा लेते हो है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो चिप्स बनाने के लिए आलू का उपयोग करते हैं। और हाँ ये भी ध्यान रखना कि आलू का एक वैरायटी है कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना जो कि बहुत अच्छा सुटेबल माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है वैरायटी के लिए जो चिप्स बनाने में काम में लाया जाता है, तो आलू का कौन सा वैरायटी है कुर्फी कुफरी चिप्सोना, ठीक है तो ये हो गए हम लोग की 70 क्वेश्चन, 70 out of 70 आपको करवा दिया गया है। अब मुझे बता देना कि आपकी कितनी आई है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना आपको सही बना है वो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, 70 out of 70 में कितने आए हैं, 65 आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, 60 आए हैं तो बढ़िया बात है, अगर थोड़ा कम आ रहा है तो थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है इससे ये हो सके कि मुझे और कितना मेहनत करना होगा आपके प्रति, ठीक है तो चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर 2 में आता है, पार्ट 2 में आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें देखो यहाँ पे 1 से 20 तक रहेंगे, यानी 10 × 2 यानी 20 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, आपको 20 मार्क के आपके रहने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको केवल बनाना है 10,
आंसर यानी 10 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन बनाना है और 20 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, केवल इसमें 10 बनाना है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो 20 नंबर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन है और आपके जो मॉडल पेपर है इस साल के उसमें भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपने तो आप 20 out of 20 लगा लोगे, बहुत अच्छे से लगा लोगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हो तो 5 to 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे, देख लो अभी क्वेश्चन देख लो। वैसे आपने देख लिया है, आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर के साथ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मूंगफली की बुआई का समय क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, मैं आप लोगों के लिए बनाया भी हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, सारी चीज दी गई है, मॉडल पेपर 2023 दिया गया है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर ली हूँ, मैं पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ जी, ठीक है। चलो मॉडल पेपर 2023 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पूरे टाइपिंग के हिसाब से आपके कितने बनाने हैं वो सारे के हिसाब से आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसको हम ना, इसका हम लोग थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, थोड़ा सेचुरेशन कम कर लेते हैं ना, थोड़ा ज्यादा लोगो दिख रहा है ना। हाँ लोगो तो दिखाना नहीं है ना, लोगो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेचुरेशन, चलो ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ इतना ही रहेगा, अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कंटेंट दिख रही है ना, जो भी लिखा गया वो दिख रहा है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। देखो इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा दोनों का साथ में, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो या ऐप सीधा डाउनलोड कर लो, वहां पे आप ये अपलोड कर देंगे क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर में टिक लग जाएगा, टिक लगा हुआ होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी तो नहीं, 2-3 दिन के बाद या 2 दिन के अंदर में वहां पे अपलोड मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ऐप जाके डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की बुआई का समय क्या है, व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ ग्राउंड नट। आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे रहो और सुनते रहो, और जहां पे दिक्कत हो रहा है वहां पे आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। फिर आप मैसेज करके या आप जब कॉल करोगे तो पूछ लेना, ठीक है। चलो व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली की बुआई का समय होता है 15 जून से 10 जुलाई के बीच में। आपको जब पढ़ाया गया था मूंगफली, जब ग्राउंड नट के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गुच्छेदार किस्म और एक होते हैं कौन सा, फैलने वाली, ठीक। और दोनों का वैरायटी भी याद करना, दोनों का वैरायटी भी आपको याद करना है। तो गुच्छेदार का AK-12 होता है, AK-12 to AK-24 होता है, ठीक है। उसके बाद कुबेर की बात कर लो, ये होते हैं गुच्छेदार वाले, ठीक है। और फैलने वाले में M13 आते हैं, दोनों का सीड डेट भी याद रखना, क्या होता है गुच्छेदार, गुच्छेदार 2 प्रकार का होता है ना, गुच्छेदार और फैलने वाली। फैलने वाली आपको वैरायटीज के बारे में बता दिया कि ये सब वैरायटीज होते हैं, ठीक है। गुच्छेदार में AK-12 to AK-24, एक कुबेर अच्छा सा याद रखना, कुबेर ये गुच्छेदार वाले होते हैं। फैलने वाले में M13 होता है, इसका सीड डेट याद कर लो, फैलने वाले की 70 to 75 kg दाना पर हेक्टेयर, ठीक है, दाना पर हेक्टेयर होती है, क्लियर। वही गुच्छेदार की बात कर ले तो यहाँ पे 80 to 90 kg दाना पर हेक्टेयर होता है, क्लियर ना, दाना पर हेक्टेयर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई तो ये याद रखना, ये है SR, SR मतलब सुशांत सिंह राजपूत, नहीं सीड रेट, क्लियर। यहाँ पे क्लियर हो गई बातें तो ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है, मूंगफली के बारे में, है ना। उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेना, एग्जाम में आ भी सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, कोई चिंता मत करो इसमें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तोरी या सरसों के उपयोग को लिखें, राइट द यूजेस ऑफ तोरी एंड सरसों। तो क्या लिखना है, तोरी एंड सरसों का उपयोग सब्जी के मसाले में, अचार में उपयोग करते हैं, तेल में करते हैं, सब्जी के मसाले में आप जब मछली बनाते होगे तो मछली को फ्राई करने में, मछली के जो मसाले बनते हैं उसमें, जिसको झोल कहते हैं आप लोग, हाँ, तो उसको बनाने में ये दिया जाता है, राई का उपयोग किया जाता है ना, और तेल में इसकी खली, और जो खली होता है जैसे तेल निकालने के दौरान खली जो बचती है उसको पशु के आहार के रूप में किया जाता है ना। तो ये याद रखना, है ना, इजी क्वेश्चन है ना, बन जाएगा आराम से ना। तो ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा दे रहा हूं वही आपको बनाना है, नहीं, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, जो आप जान रहे हो, जो यहां से अच्छा आप जान रहे हो,
तो वो आप लिख लेना, ठीक है, वो ही आप लिखना, क्योंकि आपके समझने की जो क्षमता होती है वो अलग है और मेरी समझने की क्षमता अलग है। तो वो मेरे अनुसार अभी दिया गया है यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे अनुसार दिया गया है, बट आप इसमें नहीं समझ रहे हो कुछ भी, तो वो आपको बता देना है कि सर ये सही है, कमेंट नीचे कर देना है, सर ये डिफिनेशन सही है मेरा, ठीक है, बता दूंगा वहां पे, हाँ ये आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को नजर में देखते हुए कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो उस अनुसार जो इजी वे में लगे, ठीक है। और कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दोगे, ठीक है। चल, तोरी एंड मस्टर्ड इज यूज इन वेजिटेबल स्पीसीज इन पिकल्स ऑयल एंड इट्स ऑयल केक इज यूज एज एनिमल फीड, ठीक है, पशु के आहार में किया जाता है, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना के दो किस्म को लिखें, गन्ना के शुगर कैन, राइट द टू वेराइटीज ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन के बारे में लिखना है, तो दो किस्म, फ्लोइंग आर द टू वेराइटीज ऑफ शुगर कैन, BO120, COP9302, ठीक, और यहाँ पे एक और वेराइटी यहाँ पे लिख लेना, COP9301, ठीक है। ये हो गई हमारी अगात प्रवाद, अगात प्रभेद की, और एक मध्यकालीन प्रभेद है, ठीक है, मिड नवंबर और जनवरी में इसको उगाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आपको टेबल में दिख जाएगा बुक में, तो वहां से देख सकते हो, सिर्फ टू वैरायटीज लिखना है, ये सब नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये सब नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ वैरायटीज लिखना है, ठीक है, सिर्फ वैरायटीज, क्लियर। BO120, COP9302, ये लिख देना है, ये दो वैरायटीज है शुगर कैन के, यही दो नहीं है और भी है, तो आपको जो लग रहा है, जो याद है आपको, वहां पे वो लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सितंबर अरहर की दो किस्मों का लिखना है, सितंबर अरहर यानी दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अरहर, को याद करो आप, अरहर के जो वहां पे आपने लिखा था उसको आप उलटाओ थोड़ा, वहां पे दो प्रकार के अरहर होते हैं, एक होते हैं खरीफ अरहर, एक होते हैं सितंबर अरहर, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सितंबर अरहर की दो किस्म सिर्फ पूछ रहा है, तो एक पूषा 9 और एक शरद, और खरीफ की बात करें, खरीफ अरहर की, तो वहां पे आप लिख लेना पूषा 9, एक एक याद रख लेना पूषा 9, फिर बहार, फिर नरेंद्र, ठीक है, फिर नरेंद्र अरहर, ठीक है, और फिर मालवीय अरहर, क्लियर ना, ये हो गई हमारी खरीफ अरहर की, ठीक है, और सितंबर अरहर की पूषा 9 एंड शरद, ठीक है, देर आर टू वेराइटीज ऑफ सितंबर अरहर, दैट इज पूषा 9 एंड शरद, क्लियर। खरीफ अरहर का बोलेगा तो देर आर टू वेराइटीज ऑफ, या देर आर वेराइटीज ऑफ खरीफ अरहर इज पूषा 9, बहार, नरेंद्र अरहर एंड मालवीय अरहर, क्लियर, दैट्स इट। आगे बढ़ा जाए, फाइव नंबर क्वेश्चन है, बहुफसलीय प्रणाली क्या है, बहुफसलीय प्रणाली क्या है, व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिखना है, या आपने जो समझा है वो लिखना है, यहाँ पे जो लिखा गया है अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जो आपको याद है वही लिखना वहां पे, ठीक है, बस यहाँ पे समझ लो कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। हिंदी वाले सुनेंगे, यदि किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं तो उसे बहुफसलीय प्रणाली कहते हैं, एक और होता है एक फसलीय फसल प्रणाली, मोनोक्रॉपिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, याद है ना, दो प्रकार के फसल प्रणाली होते हैं, एक एक फसलीय प्रणाली, एक बहुफसलीय प्रणाली, है ना, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, याद है ना। देखो, मोनोक्रॉपिंग में क्या करते हैं, एक साल में एक ही फसल लगेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोक्रॉपिंग, एक फसलीय फसल प्रणाली। वही मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर ले तो यदि किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं उसे बहुफसलीय कहते हैं। अरे बहुत ही सिंपल है, बहु मतलब बहुत ज्यादा, फसल मतलब फसल, एक साथ बहुत ज्यादा फसल, यानी एक साल में किसी एक खेत में, सिंपल डिफिनेशन है, याद करो समझो, यहाँ पे किसी खेत में एक वर्ष में एक फसल लगाते हैं उसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग, एक फसलीय प्रणाली। वही बहुफसलीय की बात करें तो किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं उसे कहते हैं बहुफसलीय प्रणाली। इंग्लिश में बात कर लेते हैं बउवा, तो इफ टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ फील्ड इन अ ईयर, इन अ फील्ड इन अ ईयर, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, क्लियर।
क्लियर हो गई होगी। वही मोनोक्रॉपिंग की बात करेगा, इफ वन क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ फील्ड इन अ ईयर देन इट इज अ कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। हाजी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल पद्धति क्या है, एक और डिफिनेशन, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न। तो किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें तथा फसलों एवं प्रति भूमि के अंतर्गत आनुपातिक रकबा को फसल पद्धति कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। क्लियर, यहां पे समझो, डिफिनेशन को भूलो अभी, यहां पे समझो क्या कह रहा है, किसको कहते हैं फसल पद्धति। देखो सर क्या है फसल पद्धति, क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न है, किस प्रकार से फसलों को लगाते हैं। अब फसलों को किस प्रकार से लगाते हैं, अगर मान लो एक बार में मैंने गन्ना लगाया, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा फसल लगाते हैं, एक फसल को लगाया फिर उसके बाद सीक्वेंस में ही दूसरा फसल लगाते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए परती छोड़ देते हैं जिसमें हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वहां पे हो गई, और लड़कियां कबड्डी खेलना शुरू कर देती है वहां पे, है ना, होता है ना। देखो एक फसल लगी फिर दूसरे के बाद एक और फसल लगा दिया, या तो उसके बाद परती छोड़ दिया जाता है। तो वही तो हो गई क्रॉपिंग पैटर्न, वही तो हुआ पैटर्न, वही तो हुआ फसल पद्धति। अब समझो, अब इसको एक साथ जोड़ो सबको, किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें यानी एक वर्ष के बाद दूसरी, एक सॉरी एक फसल के बाद दूसरी फसल, तो क्रमिक फसलें तथा फसलों एवं प्रति भूमि, या फसलों मतलब मिक्स्ड मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है, तो फसलों तथा एवं प्रति भूमि के अंतर्गत आनुपातिक रकबा को फसल पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में समझो, थोड़ा बात इंग्लिश में भी समझो। इन अ पार्टिकुलर एरिया सक्सेसिव क्रॉप्स प्लांटेड इन अ ईयर एंड प्रोपोर्शनल एरिया अंडर क्रॉप्स एंड फैलो लैंड, फैलो लैंड मतलब प्रति भूमि, इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। समझे, एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें एवं फसलों एवं तथा फसलों एवं प्रति भूमि के अंतर्गत अनुपातिक रकबा को फसल पद्धति कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। बहुत इजी है, याद करो, याद हो जाएगा, समझो इसकी बातें को, फिर डिफिनेशन को पढ़ो, इजी वे में याद होगा। ये बातें क्लियर हो गई, बराबर क्वेश्चन पूछता है फसल पद्धति का, और बहुमंजिलीय खेती भी पूछता है, कोई चिंता मत करो, सबका एक साथ लाया जाएगा, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन का भी लाया जाएगा आप लोग के सामने। चलो आगे बात करें, एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है। यहाँ पे देखो तीन प्रकार की मृदाएं आपको बताया गया, ऑब्जेक्टिव सेशन में बताया गया था ना पहले, है ना, उसमें देखो सलाइन सॉइल के बारे में पूरा चार्ट दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट देना भूल गया, बट आप पीडीएफ देखोगे ना तो वहां पे मैं ऐड कर दूंगा, ऐप में मिल जाएगी आपको, ऐप डाउनलोड कर लेना, ये सारे का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, पूरे मॉडल पेपर 2023 की, ठीक है। देखो मैं इसमें इसमें ज्यादा क्यों फोकस देता हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर 2023 से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पिछले साल भी हुए थे, इससे पिछले साल भी हुए थे, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस है कि थोड़ा रिपीट होगा, यानी कि फुल्ली रिपीट होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सितंबर अरहर की पूछा है, तो हो सकता है बोर्ड में खरीफ के बारे में पूछ दिया जाए, वो आपको बता दिया है, ठीक है। चल ठीक है, देखो व्हाट इज सेलाइन अल्कली सॉइल, ये इंग्लिश में है, लवणीय क्षारीय मृदाएं क्या है। तो एक मृदा जिसमें संतृप्ति निकालने की चालकता, जो ईसी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो होनी चाहिए 4 डेसी पर मीटर से अधिक होती है, और विनिमय सोडियम प्रतिशत जिसको ईएसपी कहते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये 15 से अधिक होती है, मिट्टी की पीएच आमतौर पर 8.5 से कम होती है। तो ये हो, ये सब क्राइटेरिया है किसकी, लवणीय क्षारीय मृदा का, वो चार्ट आप जरूर देख लेना, इससे पहले बताया गया है, या आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, उस वहां पे आप देख लेना, चार्ट इसके नीचे में जस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको चार्ट उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। अ सॉइल हैविंग अ कंडक्टिविटी ऑफ द सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट ग्रेटर देन 4 डेसी पर मीटर एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी ईएसपी इज ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 एंड द सॉइल पीएच इज यूजुअली लेस देन 8.5। क्लियर, समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अम्लता के दो प्रभावों को लिखिए, एक नंबर क्वेश्चन, राइट टू इफेक्ट्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, ठीक है, राइट टू इफेक्ट्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, अम्लता का मृदा पे
निम्नलिखित दो प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये बातें करेंगे इसमें। या सिर्फ दो पूछ रहा है, दो नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ दो पूछ रहा है, ये नहीं कि यहीं पे जो लिखा है वही लिखोगे, जो आपको याद आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको याद है वो भी आप लिख सकते हो, आप भी सही हो, है ना। बट वो देख लेना कि आप सही हो या नहीं, ये नहीं कि गलत जाके वहां पे लिख दे, है ना, तो ये देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मेरा सही है या नहीं है, वो आपको आइडिया लग जाएगा इस आंसर से, ठीक है। या फास्फोरस और मॉलिब्डेनम जैसे पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करता है। अगर हम लोग एसिडिटी जो हो जाता है, सॉइल एसिडिटी हो जाता है, तो ये जो पोषक तत्व है जैसे फास्फोरस और मॉलिब्डेनम, इसकी जो पौधे की पोषक तत्व है वो वहां पे उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है। और यह कुछ पोषक तत्व की उपलब्धता को विषाक्त स्तर तक बढ़ा देता है, कुछ इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो उसके लिए हानिकारक हो जाता है, विशेष रूप से एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ठीक है। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे ये भी देख लो, इट डिक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट, ये इसको थोड़ा कम कर देता है, किसको, तो फॉस्फोरस और मॉलिब्डेनम को, और कुछ एलिमेंट्स को की जो एबिलिटी है, जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ा बढ़ा देता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक लेवल तक चला जाता है, जैसे में एल्युमिनियम और मैग्नीज बढ़ जाएगा तो ये उसकी हानि पहुंचाती है पौधे की ग्रोथ में, थोड़ा रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो ये हो गई बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन, अधिक चूना उपयोग से के मिट्टी पर दो प्रभाव होते हैं। अब चूना का उपयोग हम लोग किसके कारण से करते हैं, किसके कारण से करते हैं, एसिडिटी को कम करने के कारण से, ठीक है। एसिडिक सॉइल अगर हो जाती है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम का उपयोग करते हैं, बताया गया था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था ना इसके रिलेटेड, वहां भी आपको बताया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट टू ओवरलैपिंग इफेक्ट ऑन सॉइल, मिट्टी पर दो अति व्यापी प्रभाव होते हैं, इसके क्या क्या होते हैं प्रभाव, क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। अधिक चूना लगाने से मिट्टी अधिक क्षारीय हो सकती है, ठीक है, जिससे मिट्टी की संरचना टूट जाती है, टूट सकती है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और अधिक चूना दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, तो अधिक चूना लगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की जो संतुलन भी बिगड़ जाती है, बिगड़ सकती है, या कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी का कारण बन सकता है, जैसे में जस्ता और लोहा, ठीक है। अधिक चूना लगाने से बेसिकली क्या होता है कि क्षारीय ज्यादा हो सकता है, अगर हम लोग ज्यादा लाइम की जैसे हम लोग ज्यादा खाने लग जाए, हो सकता है कि वो हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, तो अधिक खाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो अधिक चूना लगाने से मिट्टी अधिक क्षारीय भी हो सकता है, जिससे मिट्टी की जो संरचना होती है, जो मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। और अधिक चूना लगाने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होती है उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ट्रेन से गए आप, वहां पे हर वक्त आप अच्छा अच्छा खाना नहीं खाए, आप बाहर का तला हुआ खाना जैसे समोसा वगैरह ही खाते रहे, तो एक दिन के बाद आपकी जो भी पूरी डाइजेशन सिस्टम है वो पूरी संतुलन बिगड़ जाती है। तो यहाँ भी वही होता है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, आप अपनी बातों में भी वहां पे लिख सकते हो, अपनी बातों से ही लिखना काफी अच्छा लगेगा, टीचर को भी जो लिख जो देख रहे होंगे, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ वो अपने आंसर से लिखे हैं, वो किताबी लैंग्वेज कोई नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो उनको भी अच्छा लगेगा और आपके इंप्रेशन में काफी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, तो काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक निंजा टेक्निक है, किस प्रकार से लिखना है, देखो किस प्रकार से मैंने लिखा है, बहुत सारे बच्चे ने, देखो वही मैं आपको बताने भूल गया था कि देखो किस प्रकार से लिखा गया, जैसे दो प्रयोग में यहाँ पे शुरू से बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे गन्ना का दो किस्म लिखा, तो एक एक नंबर क्वेश्चन देखे पहले क्या लिखा, फॉलोइंग आर टू वेराइटीज ऑफ सुगर कैन, फर्स्ट BO120, सेकेंड COP, इसके बारे में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो कि ये किसकी प्रभेद है, ठीक है, किस मौसम की में उगाया जाता है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रहने दो, ताकि डायरेक्ट इंप्रेशन पड़ेगा टीचर को कि हाँ दो लिखा है, दो में दो मिलेगा तो 2 मार्क्स, बहुत ही बहुत क्या होता है, सिर्फ BO120 लिख दिया, पास में कोमा देके COP 9302, है ना, इसमें क्या होता है एक ही लाइन में, जैसे ये रूलर रूलर कॉपी है, एक ही लाइन में हो गया, वहां तो एक इंप्रेशन बढ़ा कि थोड़ा ज्यादा पेज भी लग गया है ना, एक यहाँ पे लिखा दूसरा यहाँ पे लिखा, पेज भी तो बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी, मात्रा आपकी आर्टिकल की, आपकी आंसर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक
है ना, और सीधा सा इंप्रेशन बढ़ेगा कि एक और दो, चलो दो वेराइटीज बोल रहा है, दो वेराइटीज लिखा है बच्चा, दो में दो। टीचर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा नंबर में। टीचर को जितना सहूलियत होगा, जितना आपकी कॉपी को देख के नीट एंड क्लीन रहेगी, उतनी आपकी नंबर में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे थे हम लोग। अधिक चूना का उपयोग यहाँ पे हो गया। इंग्लिश वाले के लिए बात कर लेते हैं। ओवरलैपिंग कैन कॉज द सॉइल टू बिकम मोर अल्कलाइन, विच कैन लीड टू ब्रेक डाउन द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, टूट सकता है। उसके बाद ओवरलैपिंग कैन ऑल्सो डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्लियर, इट कैन कॉज अ डिक्रीज द इन अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज जिंक एंड आयरन। क्लियर, समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। जैविक खेती के लिए उपयुक्त दो कीटनाशी एवं फफूंद नाशी का नाम लिखें। राइट द नेम्स ऑफ टू इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस पिछले साल ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत कम क्वेश्चन थे। हाँ, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था वो क्वेश्चन था कि आप उससे क्या समझते हो, बट यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चन लाया है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपके अंदर में दिया गया, आपके जहाँ पे लिखा गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में चर्चा दी गई है, उसके जस्ट नीचे में बहुत अंदर से क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, देखो क्या लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ टू इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, सॉरी फंजी नहीं, फंगिसाइड्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे कीटनाशक, देखो यहाँ भी किस प्रकार से आंसर लिखा गया है। कीटनाशक को अलग लिखा गया, कवक नाशक को अलग लिखा गया, दोनों का दो दो लिख दिया गया। क्या इंप्रेशन बढ़ेगा आप पे, कितना अच्छा से आपको पूरा समझ में आ रहा है कि कीटनाशक का ये है, कीटनाशक ये है, और कवक नाशक ये है, फंगिसाइड्स ये है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होता है, टीचर पे भी वही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतना अच्छा से नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, दो में दो मार्क्स, कोई नंबर नहीं कटेगी। ठीक है, और वही क्वेश्चन आप अंदर में जाके या कुछ गलती भी करते हो, एक नंबर का भी आप गलती करते हो, तो चलो फ्री में दे दिया जाता है आपको नंबर, ये इंप्रेशन होती है। ठीक है, तो अच्छे से लिखना है आपको। चलो इंसेक्टिसाइड्स बेसिलस थुरिंजेसिस, जिसको बीटी भी कहते हैं, बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा, तो ये वही है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स को वो रोकता है, कीटनाशक को वो रोकता है, तो बीटी कॉटन। ठीक है, आपको पता होगा, इसकी कहानी आपको बताई गई थी क्लास में। एक हॉर्टिकल्चर ऑयल्स भी होता है, जो इसके पौधे, जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं उसके उसके पौधे के तेल, ये भी इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। फंगिसाइड्स का काम कॉपर सल्फेट और नीम ऑयल, ये दोनों है, ये फंगिसाइड्स भी है और इंसेक्टिसाइड्स भी है। ठीक है, ये दोनों काम करता है। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें, दो दो पूछ रहा है, तो जैविक खेती के लिए ये दोनों, ये सारी चीजें काफी यूजफुल होती है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के दो लाभ लिखे। देखो जैविक खेती से एक और क्वेश्चन, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के दो फायदे होते हैं, क्या क्या फायदा लिखना, फायदे तो बहुत होते हैं, दो फायदे यहाँ पे लिखा गया, सिर्फ दो ही मांग रहा है, तो दो ही फायदा बताएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ दो ही नंबर आएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है ना। हाँ, अगर लिखना जरूरी है, आपकी जो बातें ऊपर में लिखी गई है उसके अनुसार ये लिखना जरूरी है, तो आप बिल्कुल लिखोगे, बिल्कुल लिखना वहां पे। ठीक है, चल, यह कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है और अधिक टिकाऊ कृषि प्रणाली को भी जन्म दे सकता है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। और जैविक खेती, हम लोग सिंथेटिक कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग पर रोक लगाते हैं। ठीक है, जो भी टॉक्सिक लेवल के उर्वरक होते हैं उसको हम लोग रोकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए लगाया जाता है, तो जिनका अधिक मात्रा में सेवन करने पर मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था, तो अब जैविक खेती के आने से वो रुक रही है, ह्यूमन हेल्थ अच्छा सा हो रहा है। ठीक है, और वहीं एनिमल के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए भी काफी यूजफुल है। ठीक है, होता क्या था कि अगर फर्टिलाइजर हम लोगों ने छिड़का है, सुन लो एक बात, ये भी आप अपने अनुसार बना के लिख लेना, एक आइडिया हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने खेत में फर्टिलाइजर वगैरह को यूज किया है, ठीक है, और कोई गाय आया या कोई भी जानवर आया, ठीक है, और वो पत्ते को चाटता हुआ चला गया, तो वो बीमार पड़ सकता है, क्योंकि हमने फर्टिलाइजर डाला है उसमें, है ना, हम लोग कीटनाशक उसमें यूज किया है जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। तो हो सकता है उससे जो एनिमल ने उसको टच किया है या एनिमल ने उसको फीड किया है, खाया है, तो प्रॉब्लम दे सकता है उसको, है ना, उसके हेल्थ को भी दिक्कत हो सकता है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, वहां पे कोई भी फर्टिलाइजर का यूज ना करें, कोई भी कीटनाशक का यूज ना करें, तो अगर कोई
जानवर आके खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, हमारी स्वास्थ्य अच्छी होती है, ठीक है। चलो, और आपको आपको इसके बेनिफिट में एक और भी लिख सकता है कि इससे मनी बहुत ही ज्यादा होता है। अगर जो अभी के आज के दौरान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और वो मार्केट में बेच रहा है, तो उनकी उस फल की, उस फसल की दाम बहुत हाई होती है मुकाबले में औरों की, ठीक है। क्लियर ना? आगे बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वाजिब सी बात है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स विच कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ व्हेन कंज्यूम्ड इन हाई अमाउंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, कलम बंधन क्या है? व्हाट इज ग्राफ्टिंग? व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग एक बागवानी बागवानी तकनीक है जिसमें एक पौधे का एक टुकड़ा, जिसे शंकु शाक कहा जाता है, और दूसरे पौधे की जड़ प्रणाली से जुड़ जाता है, जिसे मूलवृत्त कहा जाता है। ग्राफ्टिंग का लक्ष्य क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है? शंकु शाक की वांछित विशेषताओं को मूलवृत्त के साथ जोड़ना। क्लियर? अब इसको समझो थोड़ी बातें। जैसे ये किसी और का है, ठीक है, ये हो गई हमारी मूलवृत्त यानी रूट स्टॉक, जिसको हम लोग मूलवृत्त कहते हैं, और कोई एक गया, कोई एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ठीक दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से काट के एक और दूसरा लगा दिया तना, जिसको हम लोग कॉइन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शांकुर कहते हैं हिंदी में, शांकुर शाख, साख भी कहते हैं। क्लियर? तो ये हुई हमारी ग्राफ्टिंग, ये जो मेथड हुई वो ग्राफ्टिंग हो गई, ठीक, आपको अच्छे से बताया गया है। तो वही इसमें कहा गया है, ग्राफ्टिंग इज अ हॉर्टिकल्चर टेक्निक इन विच अ पीस ऑफ वन प्लांट कॉल्ड द साइक इज ज्वाइंड टू द रूट सिस्टम ऑफ एनोदर प्लांट कॉल्ड द रूट स्टॉक। द गोल ऑफ ग्राफ्टिंग इज टू बी कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल विद द रूट स्टॉक, ठीक है। क्लियर ना? चल आगे बात करें, समझ में आ गया ये ग्राफ्टिंग, आ गया समझ में, ठीक है। चल बस यही फंडा है इसमें, यही जो आपको फिगर के द्वारा बताया गया, ये जो जड़ वाली रहती है उसको रूट स्टॉक कहते हैं, और यहाँ पे जो रहता है, जो हम लोग किसी विशेषता को, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को इस पौधे में लगाना चाहते हैं, उसे हम लोग शंकु शाक कहते हैं, ठीक है, उस शाक को, ठीक है। चल आगे क्वेश्चन है, लैंगिक परिवर्तन के दोहानी को लिखे। राइट टू अ डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपेगेशन। फर्स्ट है, सामान्यतः बीजू पौधे अपने मात्र वृक्षों की समान गुण वाले नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो समान गुण वाले नहीं होते हैं, जैसे कि मदर प्लांट होता है उस प्रकार से नहीं होता है चाइल्ड उसका, ये होती है। और सेकंड है, जो डेहानी बीजू पौधे का आकार एवं फैलाव अधिक होता है, उसके कारण से कीट व्याधि का नियंत्रण हेतु कीटनाशी, फफूंदनाशी आदि का छिड़काव एवं फलों की तुराई कार्य कठिन हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं, तो जनरली सीडलिंग प्लांट्स आर नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी एज द देयर मदर ट्रीज, ठीक है। और दूसरा वेराइटी, दूसरा क्या है हानि, डिसएडवांटेज, द साइज एंड स्पीड ऑफ सीड प्लांट्स इज मोर एज अ रिजल्ट, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ईटीसी एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स डिजीज। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गई बातें? आगे बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के उपयोग को लिखें। राइट द यूजेज ऑफ सिट्रस। इजी क्वेश्चन, सबने बताया है, आपके आपको जो लग रहा है, जो आपको याद है वो आप लिखना, ये नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया वही आप लिखो, नहीं, आपको जो याद है वो लिखना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है, अपनी प्रतीक्षा अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, जो कि अभी देखो फिर से आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाते रहना है, ठीक है। तेल और साइट्रिक एसिड का उत्पादन, ठीक है, इसके उद्योग में भी किया जाता है, तेल के उद्योग में भी किया जाता है, ये रिच इन विटामिन सी होता है, रिच इन विटामिन सी, ठीक है। और क्या होता है, रिच इन गुड सोर्स, रिच नहीं, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, बहुत सारे ऐसे सिट्रस प्लांट होते हैं, ये सिट्रस के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसे होते हैं सिट्रस प्लांट जो कि फाइबर के लिए काफी यूजफुल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, जिमीकंद। जिमीकंद के उपयोग को लिखें। राइट यूजेज ऑफ एलिफेंट फूथ। जिमीकंद के उपयोग, ठीक है, पाचन में सुधार होता है, ट्यूमर और हाथी पाव का उपचार इसी से किया जाता है, जिमीकंद से किया जाता है।
ठीक है, यूजेज ऑफ एलिफेंट फूड इंप्रूविंग डाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड एलिफेंटियासिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कद्दू वर्गीय सब्जियों के नाम लिखे, सिर्फ दो नाम बोल रहा है, दो नाम कोई सा भी दो नाम लिख दोगे। दो कद्दू वर्गीय सब्जियां खीरा और लौकी, कुकुम्बर एंड बॉटल गार्ड। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। खीरा का बॉटनिकल नेम, कुकुम्बर का बॉटनिकल नेम होता है कुकुमिस सेटाइवस, और बॉटल गार्ड का होता है लेगेनेरिया से रारिया, है ना, से सारिया, है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा बट आप थोड़ा करते रहोगे ना तो वो थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो। सुगंधिया तेल के लिए उपयुक्त दो फूलों के नाम लिखे। मेरे से भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो नाम प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, ठीक है, बॉटनिकल नेम वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे जैसे ही तो वो सीखते चले जाओगे। ठीक है, सुगंधित तेल के उपयुक्त दो फूलों के नाम लिखे। राइट द नेम्स ऑफ टू फ्लावर्स सुटेबल फॉर सेंटेड ऑयल। एक गुलाब और रजनीगंधा। सिंपल है क्वेश्चन है। ग्लेडियोलस के दो किस्मों के नाम लिखे। राइट द टू वेराइटीज ऑफ ग्लेडियोलस। एक तो फ्रेंडशिप वेराइटीज है और एक व्हाइट प्रॉस्पेरिटी, रेड ब्यूटी, बहुत सारा है, रेड ब्यूटी, पूनम शोभा, बहुत सारा है। ठीक है, देख लेना आप। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, दो औषधीय पौधों के नाम लिखे। राइट नेम्स ऑफ टू मेडिसिनल प्लांट्स। केवल दो मेडिसिनल प्लांट्स लिखना है, अश्वगंधा एलोवेरा, अश्वगंधा एंड एलोवेरा, है ना। इसके अलावा भी सर्पगंधा, इसबगोल, अशोक, नीम, बहुत सारा है, लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, दो श्रव्य उपकरणों के नाम लिखिए। एक्सटेंशन से देखो, दो नंबर मैंने ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में आपको बताया था ना, हो सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, तो ये 2 नंबर यहाँ से रहता है और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से तो रहता है। ठीक है, राइट नेम्स ऑफ टू ऑडियो ऑड्स, ऑडियो एड्स, तो रेडियो और मोबाइल, इसके अलावा टेलीफोन, है ना, टेलीफोन। और वही विजुअल एड्स की बात करता तो यहाँ पे आप टेलीविजन लिख देते। क्लियर, सिंपल है, और पोस्टर लिख देते। क्लियर ना, चार्ट, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है यहाँ पे, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियोस में, नए साल में, नई जोश के साथ। आशा करता हूँ कि आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, नई जोश और नई उम्मीद के लिए जुड़ेंगे। उम्मीद तो और उद्देश्य तो वही पुराना रहेगा, अच्छे इंसान बनना, अच्छा मुकाम हासिल करना, बट नई जोश और नई मंजिले के साथ में लेते हुए, नई जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नए साल के नए दिन में। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं किसी और नए वीडियोज के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर अभी तक आपने फ्रेंडों के बीच शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से शेयर करो उनके पास। और हाँ, जल्दी से लाइक कर लो, एक बार जल्दी से नीचे जाओ और लाइक कर लो। ये हम आप लोग हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं दोगे हम लोग के पास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तीन तीन दोस्तों के पास शेयर करो। यही तो हमारी गिफ्ट हुई ना, और आप लोग के पास गिफ्ट पहुंचेगी हमारी न्यू न्यू कंटेंट के साथ। नए नए कोशिश करते रहेंगे आपको पढ़ाने की, आपकी आपको सिखाने की, तो थोड़ा सपोर्ट बनता है ना, तो सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नए वीडियोज में, और इस पूरे साल में आपने हमारे साथ रहा है, मैं आपके साथ रहा हूँ। हर मुसीबत में आपने हमारा साथ दिया, और हर मुसीबत में मुझे जैसा लगता है कि मैंने आपका साथ दिया है। कोई भी आपकी डाउट्स होती थी मैंने सॉल्व किया है, कोशिश किया है सॉल्व करने की, चाहे मुझे ना आता हो तो किसी और से मदद लेके, किसी और से रिसर्च करके, या सर्च करके गूगल पे, या कहीं और से भी बुक वगैरह से, तो आपको बताया है। और ऐसा कोशिश हमेशा लगातार ऐसा ही जारी रहा है, और नए साल में कोशिश करूंगा कि कुछ और नए तरीके से आपको पढ़ाने की, नई नई आपकी नए नए आइडिया से आपको पढ़ाने की, जिससे आपको रुचि आ जाए, जिसको आपको पढ़ने में मजा आ जाए, ये नहीं कि रटना पड़े। तो ये सब कोशिश आपको करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ये सब कैसे मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेगा। तो बाय बाय एग्री कमांडोज, बाय बाय 2022, मिलते हैं 2023 में। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शिपा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद एंड गुड नाइट, राधे राधे, बाय।